देखिए आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। 100% का मतलब है कि हर एग्जाम में इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछते हैं। कैपिटल बजटिंग यानी 8 नंबर से 10 नंबर तक किसकी वेटेज है। कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है, यहां पर कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि एक बिजनेस को एक फिक्स्ड एसेट परचेस करनी है और फिक्स्ड एसेट परचेस करने से पहले वो डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं कि वो कौन से फिक्स्ड एसेट परचेस करें, कि फिक्स्ड एसेट परचेस करने के बाद उस फिक्स्ड एसेट से रिटर्न उनको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, और फिक्स्ड एसेट को खरीदने में जो खर्चा हो रहा है वो उनका कम से कम हो। तो कैपिटल बजटिंग में आपको जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसका रिलेशन किससे, डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स्ड एसेट में जो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है वो आपको फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है फिक्स्ड एसेट से संबंधित, उसके लिए आपको दो अलग अलग चीजें कैलकुलेट करके देखनी होगी। एक आपके पास है कैश आउटफ्लो और दूसरा आपके पास है कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब है कितना पैसा आपको पे करना है फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, और फिक्स्ड एसेट खरीदने के बाद उस फिक्स्ड एसेट से हर साल आपको कितने रुपए का इनफ्लो मिलेगा। देखो नॉर्मली फिक्स्ड एसेट की जो लाइफ होती है वो 4-5 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल होती है। तो मान के चलते एक फिक्स्ड एसेट जो हमने खरीदी है उसकी जो लाइफ है सपोज करते हैं 4 साल है, तो उसका मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदने का काम कितनी बार करना है आपको, एक ही बार करना है। बट फिक्स्ड एसेट का यूज करने का जो मौका मिलेगा आपको 4 साल में कितनी बार मिलेगा, 4 बार मिलेगा। तो हर साल आप फिक्स्ड एसेट को यूज करोगे, यूज करने से क्या होगा, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन करने से क्या होगा, कस्टमर को गुड मार्केट में सेल करोगे, सेल होगी, और सेल करने में जो आपका पैसा लगा होगा वो आपको प्रॉफिट के फॉर्म में क्या होगा, वापस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो पैसा आपको फिक्स्ड एसेट खरीदने में लगाना पड़ेगा वो पैसा आपको कितना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड एसेट खरीदने के बाद उस फिक्स्ड एसेट से हर साल आपके पास कितने पैसे वापस मिलेंगे वो आपको चेक करना है। तो आउटफ्लो और इनफ्लो के बीच में आपको रिलेशन मतलब कंपेरिजन करना है। मान लीजिए सपोज करते हैं पहला केस, जो फिक्स्ड एसेट मैं खरीदना चाहता हूँ, मान लो एक मशीन खरीदना चाहता हूँ और उस मशीन की लाइफ है 4 साल, तो जो मैं मशीन खरीदना चाहता हूं उस मशीन को खरीदने के लिए मुझे लगता है मेरी जेब से कितना पैसा जाएगा, 10 लाख रुपए जाएगा। और जो मैं मशीन खरीदूंगा उसे बिजनेस में कितने साल यूज कर पाऊंगा, 4 साल। तो हर साल इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद, हर साल इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि उस मशीन की वजह से मेरे पास में कितना पैसा मुझे वापस मिला। तो मान लीजिए मशीन की जो लाइफ है वो 4 साल है, तो आपको जो इनफ्लो मिलेगा वो कितनी बार मिलेगा, 4 साल मिलेगा। तो मान लीजिए जो इनफ्लो मुझे फर्स्ट ईयर में मिला होगा उसका नाम मैंने रख दिया कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर, जो इनफ्लो मुझे सेकंड ईयर में मिलेगा वो मेरे लिए बन जाएगा कैश इनफ्लो सेकंड ईयर, जो इनफ्लो मुझे थर्ड ईयर में मिलेगा कैश इनफ्लो थर्ड ईयर, और जो मुझे लास्ट ईयर में मिलेगा
उसे हमने नाम दे दिया कैश इनफ्लो फोर्थ ईयर, लास्ट ईयर या टर्मिनल ईयर। कौन सा ईयर कह सकते हैं आप? टर्मिनल ईयर। टी वाई का मतलब हो गया टर्मिनल ईयर। टर्मिनल ईयर का मतलब है जितने साल में आपकी एसेट क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, यूजफुल लाइफ उसकी क्या हो जाएगी, खत्म। तो आखिरी साल को हमने क्या नाम दे दिया? टर्मिनल ईयर। तो मान लीजिए पहले साल हमारा जो इनफ्लो है वो हमें लगता है 3 लाख रुपए आएगा मशीन के इस्तेमाल करने से, 4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं मशीन के 4 साल यूज होने के बाद हमें पता लगा कि 4 साल का टोटल इनफ्लो हमारे पास कितना होगा, जरा बताइए कितना आएगा? 15 लाख रुपए। अब टोटल इनफ्लो आपके पास आएगा 15 लाख रुपए और आपकी जेब से जाएगा कितना? 10 लाख रुपए। अच्छा 10 लाख रुपए कब जाएगा? अभी जाएगा, अभी जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट जिस दिन भी खरीदेंगे उसी दिन आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो जिस दिन आपकी जेब से पैसा जाता है फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए उसे हम कहते हैं कैश आउटफ्लो जीरो ईयर। क्या कहते हैं? जीरो ईयर। तो जिस दिन भी आपने फिक्स्ड एसेट खरीदनी है उस ईयर को हम क्या कहते हैं? जीरो ईयर। और जो पैसा आपके पास आएगा वो कब से आना स्टार्ट होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ टर्मिनल ईयर। मान लो 5 साल लाइफ होती तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर मेरे लिए कौन सा ईयर होता? टर्मिनल। यदि 10 साल लाइफ होती है सेट की तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से लेकर 9 साल तक इनफ्लो बोलेंगे और लास्ट ईयर को क्या बोलोगे? टर्मिनल ईयर। तो यदि मैं आज एक फिक्स्ड एसेट खरीदता हूँ जिससे मेरे पैसे मेरी जेब से कितने जाने वाले हैं? 10 लाख। और उस फिक्स्ड एसेट के खरीदने के बाद उस फिक्स्ड एसेट की वजह से 4 साल में मेरे पास कितना पैसा वापस आ जाएगा? 15 लाख। तो आपको क्या लगता है फिक्स्ड एसेट खरीदने में मुझे फायदा है या नुकसान है? फायदा है। लगाना कितना है? 10 लाख। और वापसी कितना आना है? 15 लाख। इसका मतलब मुझे इन 4 सालों में कितने लाख रुपए का फायदा हो जाएगा? 5 लाख का फायदा होगा। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि पैसा आपकी जेब से जाएगा 10 लाख और आपका जो इनफ्लो है फर्स्ट ईयर का वो मान लीजिए सपोज करते हैं 1 लाख रुपए पहले साल, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। तो ऐसे केस में 4 साल का टोटल कितना बनता है? बोलो भाई, 8.5 लाख रुपए। तो टोटल आपका जो इनफ्लो है वो कितना है? 8.5 लाख। और टोटल आपका जो आउटफ्लो है वो कितना है? 10 लाख। तो यदि आज मैं 10 लाख रुपए लगाऊं तो 4 साल में मेरे पास 8.5 लाख रुपए वापस आएंगे। मतलब जितना मैं प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहा हूं उतना तो मेरे पास वापस आ भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है 10 लाख रुपए लगा के यदि 15 लाख रुपए वापस मिलने हैं तो मुझे 4 साल में कितने लाख का फायदा हो जाएगा? 5 लाख का। तो मुझे लगता है फिक्स्ड एसेट खरीदने में फायदा है और फिक्स्ड एसेट खरीद लेनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि यहाँ जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो कौन सी वैल्यू के बेस पे कर रहे हैं? एक्चुअल वैल्यू पे या एस्टिमेटेड वैल्यू पे? तो पहला पॉइंट है ये जो कैश आउटफ्लो है ये भी कौन सा है? एस्टिमेटेड है। और ये जो कैश इनफ्लो होगा ये भी कौन सा है? इतना पैसा आपकी जेब से जाएगा, इतना पैसा आपकी जेब में वापस आएगा। ये सारी चीजें हम एस्टिमेट कर रहे हैं आज कब के लिए? फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जो मशीन आज मैं खरीदने जा रहा हूँ, खरीदी नहीं है, खरीदने जा रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं सोच के जा रहा हूँ कि इस फिक्स्ड एसेट को खरीदने जाऊँ या ना जाऊँ। यदि फिक्स्ड एसेट खरीद लिया उसके बाद थोड़ी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कब करनी है आपको? खरीदने से पहले। तो खरीदने से पहले मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि जिस फिक्स्ड एसेट को मैं खरीदना चाहता हूँ उस फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा। और वो पैसा देने के बाद जब फिक्स्ड एसेट बिजनेस में आ जाएगी तो उस फिक्स्ड एसेट की वजह से मुझे हर साल कितना पैसा टोटल मिलेगा। यदि मेरा इनफ्लो मेरे आउटफ्लो से ज़्यादा हो जाता है तो मुझे लगता है मुझे फायदा है। और ऐसे में मेरा डिसीजन क्या होगा? ये फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लेना चाहिए। और यदि मुझे लगता है कि मेरा आउटफ्लो ज़्यादा है इनफ्लो कम है, जैसे यहाँ पे 10 लाख रुपए लगाकर वापसी कितना आना है? 8.5 लाख। तो 1.5 लाख का नुकसान है। ऐसे में मेरा डिसीजन क्या होगा? ये फिक्स्ड एसेट को खरीदने में 1.5 लाख का नुकसान है, फिक्स्ड एसेट मत परचेज कीजिए। बात समझ में आ रही? तो यहां पर हमें इनफ्लो को कंपेयर करना है किससे? आउटफ्लो। तो पहले केस में आपका डिसीजन क्या होगा कि आपका जो टोटल कैश इनफ्लो है, टोटल कैश इनफ्लो कितना आपके पास में? टोटल कैश इनफ्लो 15 लाख है।
हमने देखा हमारा टोटल कैश इनफ्लो ज्यादा है कैश आउटफ्लो से, तो हमने डिसीजन क्या ले लिया, परचेज का। इधर वाले केस में हमने देखा टोटल कैश इनफ्लो हमारा कम है किससे, आउटफ्लो से। इसका मतलब यदि टोटल कैश इनफ्लो कम है कैश आउटफ्लो से, तो ऐसे में आपका डिसीजन क्या होगा, ठीक है जी, नोट कर लीजिए यहां तक। पहले देखिए चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और चैप्टर की खासियत क्या है, हर क्लास में कुछ ना कुछ नए पॉइंट आपके आते रहेंगे, इसलिए कोई भी क्लास इस चैप्टर की मिस नहीं करनी। कई बार बच्चे सोचते हैं यार एक क्लास छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली क्लास में भी सर ने वही पढ़ाना है, इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। तो देखिए आज की क्लास में हमें मेन क्या सीखना है कि जिस फिगर सेट को हम खरीदने का सोच रहे हैं क्या उस फिगर सेट को खरीदने में हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। यदि हमें ऐसा लगता है कि खरीदने के बाद हमें फायदा होगा, फायदा कैसे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कितना पैसा लगाया और कितना वापस आया। मान लो मैंने 10 लाख लगाया और वापसी में मुझे उस असेट में जो जिसमें मैंने 10 लाख लगाए हैं वापसी में कितने पैसे आ रहे हैं, 15 लाख। तो उसका मतलब है कि 5 लाख का मुझे फायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस फिगर सेट को खरीदने से बिजनेस में मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा वापस मिल रहे हैं, खरीद लेना चाहिए। दूसरे केस पर मैंने देखा 10 लाख रुपए लगा के वापसी कितने आने, 8.5 लाख। तो जितना मैं लगा रहा हूँ उतना वापस भी नहीं आ रहा, तो मुझे तो 1.5 लाख का नुकसान है। तो मुझे क्या लगेगा यार इस फिगर सेट को खरीदने में कोई फायदा नहीं है, मत खरीदो। तो यहाँ पर हमें इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना और पैसे का आना। पैसे के जाने को हमने नाम दे दिया कैश आउटफ्लो, और आने का मतलब क्या हो गया इनफ्लो। कौन सा इनफ्लो कौन सा आउटफ्लो, एस्टिमेटेड, जो पैसा आपकी जेब से जाएगा, गया नहीं है जाएगा, एस्टिमेटेड हो गया। जो पैसा वापस आपको मिलेगा हमें क्या पता कितना मिलेगा, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब भी एक बिजनेस किसी फिगर सेट को खरीदने का सोचते हैं, खरीदने से पहले उनके माइंड में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी फिगर सेट को खरीदते टाइम आपको ध्यान में रखने चाहिए, बताओ भाई। देखिए जब भी किसी फिगर सेट को आप परचेज करने जाते हैं, तो फिगर सेट खरीदने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है,
हाँ जी, यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी, खरीदने के बाद जब उसे फ्यूचर में, मतलब यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जब उसे मार्केट में एज अ स्क्रैप बेचोगे तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है उसकी, हाँ जी, मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं उसके, रनिंग एक्सपेंसेस, उस असेट को खरीदने के बाद उसे बिजनेस में यूज करने पे आपके रनिंग एक्सपेंसेस कितने, तो जब भी किसी फिक्स्ड एसेट को आप परचेज करने जाते हैं आप क्या चाहते हैं कि फिक्स्ड एसेट खरीदते टाइम उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लाइफ ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, स्क्रैप वैल्यू ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए, आपकी हाई स्क्रैप वैल्यू होनी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई होनी चाहिए, मेंटेनेंस चार्जेस और रनिंग एक्सपेंसेस कम से कम होनी चाहिए। तो सारी चीजें यदि आपको किसी फिक्स्ड एसेट में मिल जाती है तो उससे आपके खर्चे कम होते हैं, मतलब आउटफ्लो कम होता है और आपका इनफ्लो क्या होता है, ज्यादा। तो किसी भी फिक्स्ड एसेट को खरीदने से पहले जब भी, ये से पढ़ने के लिए चैप्टर नहीं है, फ्यूचर में आपके काम आने वाला चैप्टर है, कोई भी आप यदि फिक्स्ड एसेट खरीदने चाहते हैं, मान लीजिए आप सपोज करते हैं कोई टूर एंड ट्रैवल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको कार खरीदनी है, तो कार खरीदने से पहले क्या चाहते हैं, जिस कार को आप खरीदना चाहते हैं उसकी कार की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, कार की लाइफ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कार को जब आप एज अ स्क्रैप बेचोगे तो आपको स्क्रैप वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्यूल कैपेसिटी, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक लीटर पेट्रोल में या एक लीटर डीजल में या जो भी आप सीएनजी भरवा रहे हैं, मतलब फ्यूल आपका कम लगे और आपकी एफिशिएंसी क्या हो, ज़्यादा। यदि मशीन खरीदते हैं तो जो मशीन आप खरीदना चाहते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक घंटे में यदि एक मशीन 10 यूनिट बना रही है और दूसरी मशीन 15 यूनिट बना रही है तो आपका एक घंटे में 5 यूनिट दूसरी मशीन से क्या बन सकती है, ज़्यादा। तो समय की सेविंग कहाँ पे है, सेकंड मशीन में। तो जिस मशीन से प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी हमें वो मशीन खरीदनी चाहिए ताकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मशीन को चलाने के जो खर्चे वो भी क्या आने चाहिए, कम से कम आने चाहिए। मेंटेनेंस का खर्चा उस मशीन का क्या होना चाहिए, कम। या कार खरीदे तो कार के मेंटेनेंस चार्जेस क्या होने चाहिए, कम। आफ्टर सेल सर्विसेज किस कंपनी की बेटर है वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। पता लगा भाई कार तो आपको सस्ती मिल रही है और यदि कार की सर्विस करवाने गए और पता चला कि जो सर्विस सेंटर है वो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर पे, तो आप ये सोचो कि 100 किलोमीटर दूर की वजह से आप कितनी बार टाइम पे सर्विस करवा पाएंगे, ठीक है ना। आपको लगेगा 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आना, 200 किलोमीटर तो आपको लगेगा अरे इतनी दूर आने जाने में मेरा फ्यूल का खर्चा ही बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या सोचोगे यार कल चलेंगे परसों चलेंगे, वो कल परसों में एक दो साल निकल जाएंगे, और चक्कर क्या होगा कि आपकी जो कार की एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, वो धीरे धीरे गिरती चली जाएगी और धीरे धीरे कार में कुछ ना कुछ आपको खराबी नज़र आने लगेगी। और कंपनी ने जो वारंटी दी थी कि 4 साल तक या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस कार को खरीदने के बाद,
वो आपकी एक डेढ़ साल के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने कहा था भी आपको पहली सर्विस एक महीने के अंदर करानी है, और पहली सर्विस आप एक महीने की जगह एक साल में करवा रहे हैं। दूसरी सर्विस जो 6 महीने में करानी थी वो आपने 3 साल के बाद करवाई, मेरी बात समझो। तो यदि आप सर्विस टाइम पे नहीं करवाओगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका जो प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था ये सोच के कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी चलाने के बाद, वो दिक्कत आपको शुरू में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आफ्टर सेल सर्विस एक मेन फैक्टर होता है किसी फिगर सेट को खरीदने के बाद। यदि जो मशीन आप खरीद रहे हैं वो मशीन मान लीजिए इम्पोर्टेड है, और उसमें कोई यदि कोई पार्ट खराब हो जाता है और पता चला कि वो पार्ट आपको इजिली अवेलेबल नहीं होगा, तो आपकी वो मशीन क्या हो जाएगी उस समय के लिए बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। इस चैप्टर में टाइम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिस साल हमें पैसा इन्वेस्ट करना है उस ईयर को हम क्या कहते हैं, जीरो ईयर, ठीक है जी। एक आपके पास होता है ईयर 1, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ईयर, ईयर 2 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। मान लीजिए असेट की जो लाइफ है वो 5 साल है, तो जो फिफ्थ ईयर है आप उसको क्या कह सकते हैं, टर्मिनल ईयर भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो पैसा आज आपने इन्वेस्ट करना है, जिस दिन आपने पैसा इन्वेस्ट करना है डेट ऑफ परचेज, उस ईयर को हमने नाम क्या दिया, जीरो ईयर। ये फर्स्ट ईयर का मतलब क्या, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर है, मिडिल ऑफ फर्स्ट ईयर है, या एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। सभी ईयर में ध्यान रखना कौन सा है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर। अच्छा, एंड की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इनफ्लो है वो पूरे साल में कितना आपको मिलेगा वो तो आपको हर साल के एंड में पता चलेगा। लेकिन जो पैसा आज आपको इन्वेस्ट करना है वो ईयर एंड में थोड़ी इन्वेस्ट करना है, वो तो शुरू शुरू में इन्वेस्ट करना है। एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए आपके फैमिली में किसी के यहाँ आज किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो आप हॉस्पिटल में मिलने गए फैमिली मेंबर्स से, लोगों से, और आपने पूछा जी बच्चा कितने साल का हो गया, ठीक है जी। तो पेरेंट्स ने पहले तो अपने मन में ऐसे किया, ये बंदा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने कहा जी बच्चे की जो उम्र है वो 0 ईयर है। बात समझ में आ रही है। तो न्यूली बॉर्न जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी एज को हम क्या कहते हैं, 0 ईयर। ऐसे में जब आप किसी मार्केट में उनके लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है जी कितने साल का, आप क्या कहते हैं, 0 ईयर। मार्केट में मिलते भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी एसेट को खरीदे हुए 1 साल पूरे ना हो तो उसकी लाइफ को क्या बोलते हैं, 0 ईयर। बात समझ में आ गई। जैसे ही 1 साल पूरा हो गया, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 2 साल पूरे हो गए, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 3 साल पूरे हो गए, एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो इनफ्लो निकालना कब है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर एंड टर्मिनल ईयर। लेकिन जो पैसा आपने जेब से लगाना है उसकी कंप्यूटेशन कब करनी है, 0 ईयर। तो इसका मतलब 0 ईयर कौन सा ईयर माना जाता है, वो ईयर जिस साल आपको कंप्यूटेशन करनी है किसकी, कैश आउटफ्लो की। फर्स्ट ईयर का एंड, सेकेंड ईयर का एंड, थर्ड ईयर का एंड, फोर्थ ईयर का एंड और टर्मिनल ईयर एंड, इस साल आपको क्या निकालना है, कैश इनफ्लो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस साल हमें क्या चीज निकालनी है। अब आप सोचोगे सर पैसा तो 5 बार आने और जाना कितनी बार है, एक बार। लेकिन जो पैसा आता है 5 बार में वो थोड़ा थोड़ा करके आता है, लेकिन जाना एक बार में, क्योंकि फिगर सेट जब आप खरीदते हैं तो नॉर्मली आप सबको पता है फिगर सेट कॉस्टली होती है। अब आप टूर एंड ट्रेवल यदि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कार खरीदते हैं 10 लाख की, तो क्या आपको ऐसा लगता है पहले साल में 10 लाख रुपए का रेवेन्यू आ जाएगा, धीरे धीरे करके आएगा ना, किसी साल 3 लाख, किसी साल 5 लाख, किसी साल 2 लाख, डिपेंड करता है कि आपने उस कार की कितनी सर्विसेज किसको दिए, दिन में आप कितने घंटे उस कार का यूज कर रहे हैं, 24 के 24 घंटे यूज कर रहे हैं, मतलब आपने ड्राइवर रखे 3 शिफ्ट वाले 8-8 घंटे वाले, तो ड्राइवर चेंज हो रहे हैं लेकिन कार तो आपकी 24 के 24 घंटे चलती रहेगी। आपने यदि 2 शिफ्ट रखे हुए 8-8 घंटे की,
तो फिर आपकी कार कितने घंटे चलेगी? 16 घंटे। यदि आपने एक ही ड्राइवर रखा हुआ है 8 घंटे की शिफ्ट के लिए, तो आपकी कार पूरे दिन में कितने घंटे चलेगी? 8 घंटे। तो रिवेन्यू किस पर डिपेंड करता है? कार के चलने पे। जितने किलोमीटर आपकी कार चलेगी उतने किलोमीटर का आपको रिवेन्यू मिलेगा किससे? पैसेंजर से। तो कार का ज्यादा से ज्यादा यूज होने पर आपका रिवेन्यू क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन कार के ज्यादा चलने से कार का जो मेंटेनेंस का खर्चा वो भी तो बढ़ेगा, रिपेयरिंग चार्जेस भी क्या होगी? बढ़ेगी। फ्यूल का खर्चा भी क्या होगा? बढ़ेगा। और उसकी जो लाइफ आप सोच रहे थे 5 साल चला पाएंगे, वो 5 की जगह 2-3 साल ही चला पाओगे। आप एक कार खरीदते हो, ऑफिस से घर जा रहे, घर से वापस ऑफिस जा रहे, तो आपकी जो कार है वो आराम से 8-10 साल चल जाती है। लेकिन यदि वही कार टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में लगा दी जाए तो 3-4 साल बाद आपको ऐसा लगता है कार का बदलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी कार जो है वो दिन में सिर्फ एक ही बार जा रही है, ऑफिस से घर पे, घर से ऑफिस, तो रनिंग किलोमीटर्स के कम है। और जहाँ पे पैसेंजर के हिसाब से आपकी कार यूज होगी तो दिन भर चलती रहेगी ना, तो रनिंग किलोमीटर्स क्या होंगे? ज़्यादा। अब मान लो मुझे अपने घर से यहाँ पे आना है, 3 किलोमीटर आना है, 3 किलोमीटर जाना, एक दिन में कितने किलोमीटर हो गए? 6। मैं कहता हूँ बाकी चलो मैंने घूम फिर भी लिया तो एक दिन के 10 किलोमीटर, साल में 365 दिन, 36,650। मैंने कहा चलो घूमने भी चलेगा तो 5,000 किलोमीटर ले लो एक साल के। जबकि टूर एंड ट्रैवल बिजनेस में क्या होगा, एक महीने के किलोमीटर कितने हो जाएंगे? 5,000-6,000। तो साल के कितने हो जाएंगे? यदि 5,000 भी लगाएं तो 12 महीने से कितना आ जाएगा? 6,500। इसका मतलब जो हमारी कार एक साल में 5,000 किलोमीटर चल रही है, ठीक है जी, 12 साल में हमारी कार कितने किलोमीटर चलेगी? 6,500। और वहां तो एक साल में कितनी होगी? 60। तो उनकी लाइफ और हमारी लाइफ क्या होगी? बहुत अलग होगी। तो यदि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट खरीद रहे हैं तो वहां पर असेट की लाइफ हमेशा क्या होती है? कम होती है। और यदि आप पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो उसमें आपकी असेट की लाइफ क्या होती है? ज्यादा। क्योंकि चलाने वाला जो बंदा है वो देख के चलाता है, जो टूर एंड ट्रेवल बिजनेस में कार यूज होंगे वहां पर ड्राइवर यूज करें, तो उस केस में क्या होगा? कोई ड्राइवर अपनी कार समझ के चलाते हैं, ढंग से चलाते, कोई रफ एंड टफ चलाते, तो जितना रफ एंड टफ चलेगा उतनी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी? हाई होती चली जाएगी। ये सारी चीज आपको क्या करनी है? चेक करनी है। नोट करिए सारे पॉइंट। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या है? फिक्स्ड एसेट को खरीदते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपको वो एसेट खरीदनी है जिस एसेट को खरीदने में आपकी जेब से पैसा क्या लगे? कम। खरीदने के बाद उसकी लाइफ क्या हो? ज्यादा से ज्यादा। स्क्रैप वैल्यू क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा। उस मशीन को खरीदने के बाद उससे प्रोडक्शन क्या हो? कम समय में ज्यादा हो। मेंटेनेंस का खर्चा क्या उसका? कम से कम हो। रनिंग एक्सपेंसेस, उस मशीन को चलाने की कॉस्ट क्या है? कम से कम हो। हाँ जी, इनफ्लो निकालने का टाइम कौन सा होता है? एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, कब तक चलता रहेगा? टर्मिनल ईयर तक। यदि एसेट की लाइफ 4 साल है तो 4 बार इनफ्लो निकलेगा, 10 साल है तो। तो इसलिए हम कहते थे कि एसेट की लाइफ जितने ज्यादा होगी उतनी बार आपको क्या मिलेगा? इनफ्लो मिलेगा। पैसा लगाना है एक बार और इनफ्लो मिल रहा है बार बार, तो जितनी ज्यादा बार आपको इनफ्लो मिलेगा इनफ्लो का टोटल बढ़ेगा, और इनफ्लो का टोटल जितना ज्यादा होगा आउटफ्लो से उतना आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यहां प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। यदि डिफरेंस पॉजिटिव है मतलब प्रॉफिट है, डिफरेंस नेगेटिव है मतलब लॉस है। तो क्या केवल इस चैप्टर में 2 ही चीजें चाहिए आपको? इनफ्लो आउटफ्लो। तो हम ये कहेंगे 2 चीजें सिर्फ आपका वर्किंग नोट का काम करता है, उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आपको इनफ्लो आउटफ्लो का यूज करके ये पता लगाना है कि फिक्स्ड एसेट को खरीदने में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चैप्टर को हम एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सबसे पहले वर्किंग नोट में क्या निकालना आपको? इनफ्लो और आउटफ्लो, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या करना है? जो इनफ्लो आउटफ्लो वर्किंग नोट में निकलेंगे उनका यूज करके कुछ आपको टेक्निक्स बताई जाएगी, उन टेक्निक्स की मदद से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि किस फिगर सेट को खरीदे किस फिगर सेट को ना खरीदे। तो आज की क्लास में पहला पार्ट शुरू करते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो निकालना। देखिए कुछ चीजें सिर्फ समझने के लिए होती हैं, हर चीज लिखने के लिए भी नहीं होती। अब जैसे वाला पॉइंट इसमें लिखने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास का शुरू होने वाला है, कंप्यूटेशन ऑफ
कैश आउटफ्लो। अच्छा, जब भी हमें कैश आउटफ्लो की कंप्यूटेशन करनी है, अपने माइंड में दो चीजें रखते हैं, कौन से ईयर में कर रहे हैं, कौन से बेसिस पे। अच्छा, जो पैसा आपको फिक्स्ड एसेट खरीदने में लगाना पड़ेगा उसमें सबसे पहले क्या चेक करोगे कि जो फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं उस फिक्स्ड एसेट को खरीदने से लेके यूज करने तक कितना पैसा आज आपकी जेब से जाने। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी फिक्स्ड एसेट की लिस्ट प्राइस कितनी है। यदि उस लिस्ट प्राइस पे हमें क्या मिल जाए तो हमारे लिए फायदा है। तो हमारे पास क्या आएगा, परचेज प्राइस आएगा। फिर क्या करना है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदने के बाद उस फिक्स्ड एसेट को अपनी फैक्ट्री में लाते टाइम जो रोड जो ट्रांसपोर्ट में आपने इंश्योरेंस करा रखे ताकि कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट होने पे यदि कोई फिक्स्ड एसेट हमने जो खरीदी है डैमेज होती है तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरे पैसे हमें मिल जाए ताकि हमारा लॉस कम से कम हो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस वो भी तो आपको बियर करने पड़ेंगे। यदि कोई मशीन आपने इंपोर्ट की है तो यदि आपको कोई इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़े, ठीक है जी। इंस्टॉलेशन चार्जेस जैसे हम कहते हैं इरेक्शन चार्जेस, यानी इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इंस्टॉलेशन जो भी चार्जेस होंगे आपके पास में अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा समझो कोई भी खर्चा जो फिक्स्ड एसेट खरीदते टाइम या उसके यूज करने से पहले पहले आपने कर दिए, वो सारे खर्चे कौन से नेचर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। लेकिन वो कब माना जाता है कैपिटल, जब उसके खर्चे के बाद फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में क्या हो जाए, बढ़ जाए। कोई भी खर्चा फिक्स्ड एसेट पे किया जाए, पहली कंडीशन किस पे किया जाए, फिक्स्ड एसेट पे, और वो खर्चा करने के बाद फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में क्या नाम दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यदि मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी और जिस दिन खरीदी उसे यूज करने से पहले पहले उस बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करा दिया, यूज नहीं किया, खरीदा फिर व्हाइट वॉश कराया फिर यूज करना स्टार्ट किया, तो वो व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस बिल्डिंग के कॉस्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बिल्डिंग खरीदे हुए 2 साल हो गए, मुझे लगता है यार व्हाइट वॉश कराना जरूरी है, तो अब ये कौन से खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अब ये मेंटेनेंस एक्सपेंस है। कौन से हैं, मेंटेनेंस। आप चाहते 2 साल पहले जैसे बिल्डिंग बिल्कुल नई लग रही थी, 2 साल बाद भी ऐसी लगे, तो 2 साल पहले जब आपने बिल्डिंग को व्हाइट वॉश कराया था तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। अब आप चाहते हैं बिल्कुल बिल्डिंग वैसी नजर आए, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम, इससे क्या होगा भाई, जो असेट आप जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा दिखा तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो खरीदने के बाद जितनी बार भी आप व्हाइट वॉश कराओगे, 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद, या आपने रूल बना रखा है हर 3 साल बाद एक बार व्हाइट वॉश कराना है, तो वो व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस आपके क्या माने जाएंगे, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी सेकेंड हैंड और उसके आपने कार को यूज करने से पहले टायर ट्यूब चेंज करा दिए या उसमें सीएनजी किट फिट करवा दी, ठीक है जी। तो ऐसे केस में ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल, ठीक है। कार खरीदे हुए 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, फिर आपने टायर ट्यूब चेंज करा दिया, तो वो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है। आप चाहते हैं कि कार जिस हालत में मैंने यूज करनी शुरू की थी पहले दिन, 2 साल बाद भी वैसे ही लगे, तो उसके लिए आपको उस कार को क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस का खर्चा फिर आपका कौन सा माना जाता है, रेवेन्यू। तो सिंपल सी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एसेट पे इनकर किया जाए कब, एट द टाइम ऑफ परचेज, और दूसरा केस बिफोर यूज।
वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, यदि करने के बाद उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स 100 है मेरे पास मान लीजिए, और एक चेयर 300 रुपए की है, तो 300 यदि इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो गया 30,000। तो ये मेरे लिए फर्नीचर हो गया, चेयर मेरे लिए क्या फर्नीचर, तो बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू कितनी है 30,000। मान लीजिए मैंने 10 और चेयर खरीद ली, 10 और चेयर खरीद ली 300 रुपए के हिसाब से, कितने की हो गई 3,000 की, तो एडिशन हो गया, इससे बैलेंस शीट में वैल्यू ऑफ फर्नीचर की कितनी आएगी 30,000 प्लस 3,000 33,000। तो ये खर्चा जिसके करने से बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू 30 से 33 हो गई, वो 3,000 का खर्चा जो मैंने फिर से किया कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। ठीक है जी, जब मान लीजिए हमने जो चेयर खरीदी है वो प्लास्टिक की जगह सपोज करते हैं वुडन चेयर है और उस पर पॉलिश होती है, 2 साल बाद मैंने उस पर पॉलिश करवा दी, कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस खर्चे के बाद में बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो जिन खर्चों को करने के बाद बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ती है वो खर्चे कौन से होते हैं, कैपिटल है, अदरवाइज वो कैपिटल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा ये सारी चीजें यदि मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, यानी क्या आएगा, यानी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा फिक्स्ड एसेट खरीदने के बाद उस फिक्स्ड एसेट से क्या करना चाहोगे, मान लो मशीन खरीदते हो, क्या चाहते हो उस मशीन को खरीदने के बाद, उससे प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन हो तभी तो सेल होगी। तो जो मशीन आप खरीदना चाहते हैं उस मशीन को खरीदने के बाद जो आपकी कॉस्ट लग रही है, मतलब मशीन को खरीदते टाइम जो भी पैसे आपकी जेब से लग रहे हैं, ये मशीन आपकी, ठीक है, इस मशीन को जब तक हम पावर सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये मशीन चलेगी नहीं। तो मशीन के लिए तो मेरा पैसा यहां कैलकुलेट हो गया, मशीन मैं कितने की खरीद के लाऊंगा ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन इस मशीन में जब तक मैं क्या नहीं डालूंगा मटेरियल, तो मुझे यहां पे डालने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल भी चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल कह दो। इस मशीन को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सप्लायर नहीं ऑपरेटर, ठीक है जी, वर्कर भी चाहिए, तो वर्कर को देने के लिए क्या चाहिए, पैसा भी देना चाहिए, पावर सप्लाई भी, तो पावर कॉस्ट, ठीक है जी। फैक्ट्री के अंदर हमने मान लीजिए एक फैन भी लगा रखा है तो लाइट का खर्चा भी करना पड़ेगा आपको, यदि मान लीजिए हमने बल्ब लगा रखे हैं तो थोड़ी सी रोशनी भी देते हैं ताकि अंधेरे में काम ना करना पड़े आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बल्ब लगा रखा है या हमने फैन लगा रखा है या जो भी एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है हमने, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो लाइटिंग में कवर होगा, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है कि ये मशीन क्या मैं ओपन में रख दूंगा, तो इसका मतलब मुझे कोई स्पेस भी चाहिए होगा, तो वो स्पेस जो मुझे चाहिए इस मशीन को रखने के लिए उसके लिए मुझे फैक्ट्री रेंट भी देना पड़ेगा। क्या लगता है ये खर्चा सिर्फ एक बार ही होगा या होता रहेगा जब तक मशीन इस्तेमाल होगी? तो पहली बार, फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, पहली बार जिस दिन इस मशीन को मैं इस्तेमाल करूंगा उस दिन मुझे कितने पैसे इस मशीन से प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होंगे, फिर वही पैसा मुझे अगले दिन भी चाहिए होगा क्योंकि प्रोडक्शन डेली होगी। मान लो इस मशीन से मैं डेली प्रोडक्शन 5,000 यूनिट की करना चाहता हूं, तो 5,000 यूनिट बनाने में मुझे लगता है कि इस मशीन में 20 रुपए के हिसाब से मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, 1,00,000 रुपए की, 5,000 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 1,00,000 रुपए। इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट मेरी आज 1,00,000 रुपए की है वही रिक्वायरमेंट कल भी होगी, क्योंकि कल भी मैं कितनी यूनिट बनाना चाहता हूँ 5,000, परसों भी, उससे अगले दिन भी। तो इसका मतलब डेली मुझे कितना पैसा चाहिए, 1,00,000 रुपए चाहिए 5,000 यूनिट बनाने के लिए 20 रुपए के हिसाब से। ये 20 रुपए क्या चीज है, इसमें मेटेरियल कॉस्ट भी शामिल है, लेबर कॉस्ट भी शामिल है, रेंट भी शामिल है, पावर कॉस्ट भी शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी भी कॉस्ट है, सुपरवाइजर के चार्जेस भी शामिल है, मतलब सारे खर्चे जो गुड्स को बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर इनकर किए जा रहे हैं वो मान के चलते हैं 20 रुपए में शामिल है। तो इसको ना डेली बेसिस पे मुझे कितना पैसा चाहिए, 1,00,000 रुपए चाहिए। आज जो मैं 1,00,000 रुपए बिजनेस में लगाऊंगा, मान लीजिए मैं आज जो गुड्स कस्टमर को बनाकर दूंगा उसके पैसे मुझे कल मिल जाएंगे, पैसा कब लगा, आज मिलेगा कब, फिर कल 1,00,000 रुपए फिर लगेगा, गुड बिकेगा उसके पैसे कब मिलेंगे, परसों,
फिर परसों जो पैसा लगाऊंगा उसके पैसे कब मिलेंगे? एक दिन बाद। इसका ना जो पैसा मैंने एक तारीख को लगाया वो दो तारीख को वापस मिला, फिर दो तारीख को पैसा लगाया तीन तारीख को वापस मिला, तीन को जो लगाया चार को मिला, चार को लगाया पांच को। कहने का मतलब क्या है, मेरा पैसा बिजनेस में हमेशा कितना यूज होता रहता है? 1 लाख। क्योंकि जो आज लगाया वो कल वापस तो मिला, लेकिन जैसे मेरा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया 5000 यूनिट बनाने के लिए, फिर वो पैसा परसों वापस मिला, फिर से मेरा पैसा वापस री इन्वेस्ट हो गया। इसका डेली बेसिस पे मेरा पैसा मुझे वापस मिल भी रहा है, लेकिन वो पैसा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट होता जा रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक ये मशीन बिजनेस में रहेगी तब तक मेरा पैसा डेली बेसिस पे कितना बिजनेस में यूज होता रहेगा? 1 लाख। तो ये पैसा लगा कब, पहली बार कब लगा? पहली बार मेरी जेब से कब लगा? जिस दिन मैंने मशीन को यूज करना स्टार्ट किया, मतलब कि 0 ईयर में। और कब तक ये पैसा बिजनेस में लगा ही रहेगा? जब तक ये मशीन मेरे बिजनेस में, कब तक? टर्मिनल ईयर। तो टर्मिनल ईयर में इस मशीन को हम क्या कर देंगे? आखिरी दिन यूज करने के बाद बाहर कर देंगे, ठीक है जी। तो उस दिन ये पैसा बिजनेस में लगना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो आज इसको ध्यान से समझो, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को हमने मशीन खरीदी, ये सोच के कि मशीन कितने साल चलेगी? 4 साल। तो बताइए 31 दिसंबर कौन से ईयर में 4 साल पूरे होंगे? सोच के बोलो। चलो देखिए, जो लोग मैथ्स यूज करते हुए कहते हैं 2020 + 4 = 2024, तो इससे पता चल गया उनका मैथ्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। अरे 2020 भैया 1 जनवरी है, तो 1 साल तो 2020 ही हो गया, फिर 2021, 2022 और 2023, तो 4 साल कब कंप्लीट हुए? 31 दिसंबर 2023 को, ठीक है ना। हर जगह मैच नहीं चलता, बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2023 ये मेरा आपके पास है 0 ईयर, स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ परचेज जिसको कह सकते हैं। और ये कौन सी डेट है? टर्मिनल ईयर। तो यदि आज मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ध्यान से सुनना, मशीन से रिलेटेड जो भी खर्चे मुझे डेली बेसिस पे इनकर करना पड़ेगा 5000 यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, मैंने क्या एस्टिमेशन कर रखा है अपने बिजनेस में कि मैं डेली बेसिस पे कितनी यूनिट बनाऊंगा? 5000। तो डेली बेसिस पे बिजनेस में कितने पैसे लगाऊंगा? 1 लाख। बट दिक्कत क्या है कि आज पैसे लगाऊंगा मिलेंगे कब? कल। तो आज पैसा लग गया, तो इसका ना सबसे पहले पैसा मैंने कब लगाया? 1 तारीख को 1 लाख रुपए। जैसे मशीन खरीद के लाया सुबह सुबह, मशीन से प्रोडक्शन शुरू किया, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। अब ये पैसा लगा कब? लगा कब? कैश आउटफ्लो कब हुआ? आज हुआ ना। और आएगा कब? 2 जनवरी 2020 को ये पैसा मेरे लिए 1 लाख रुपए वापस क्या बनेगा? इनफ्लो। क्योंकि कस्टमर को जो कुछ मैंने आज बना के बेचे हैं, मान लीजिए उसके पैसे मुझे कल मिल जाते हैं, तो उसका मतलब मेरे पास ये 1 लाख रुपए क्या बन जाएगा? कैश इनफ्लो। अच्छा, जैसे ही 1 लाख रुपए आएगा क्या मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा? नहीं, प्रोडक्शन फिर करूंगा 5000। फिर से ये जैसे ही पैसा आएगा वापस क्या बन जाएगा? आउटफ्लो। इसका मतलब 2 तारीख मेरी जिंदगी का वो दिन था जिस दिन सुबह सुबह 1 लाख रुपए आया और थोड़ी देर में 1 लाख रुपए वापस चले गए, ठीक है ना। टाइम पास हो गया जिंदगी में, 1 लाख रुपए गिनने में आते टाइम और 1 लाख रुपए जाते टाइम फिर से गिना, ठीक है ना। ये वो हाल है जैसे बैंक का जो कैशियर होता है, पैसे जब लोगों से लेता तब गिनता है और जब देता तब गिनता है, होता आपका ना कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है ना। टाइम पास कहते हैं इसे जिंदगी का, पैसे लेते टाइम गिनना, टाइम कट रहा है उसका, लोगों को पेमेंट कर रहे हैं तो उसका टाइम कट रहे हैं, और इस बात के उसको क्या मिलती है? बैंक से सैलरी। और क्या चाहिए, टाइम भी कट गया, पैसे में भी पूरे दिन खेल रहे हो और पैसे भी मिल रहे हैं आपको शाम को, ठीक है जी। इसका ना 1 तारीख को आपकी जेब से 1 लाख रुपए गया, ध्यान से सुनना, 1 तारीख को वापस कुछ नहीं आया, 2 तारीख को आया वापस चला गया, फिर 3 तारीख को पैसा आएगा, फिर 1 लाख रुपए वापस आया, इनफ्लो बना और फिर आउटफ्लो बना। तो उसका मतलब 2 तारीख को आया भी और चला गया, नेट इफेक्ट क्या हुआ? जीरो। अच्छा, 31 दिसंबर को 2023 में जब 4 साल पूरे हो गए नाटक करते करते इस तरीके का कि पैसे लगाते फिर आते फिर लगाते फिर आते, 31 दिसंबर 2023 आखिरी दिन था जिस दिन हमने मशीन को यूज किया, ठीक है जी। तो ऐसे में क्या हुआ? इनफ्लो तो हुआ, अब आउटफ्लो नहीं होगा क्योंकि हमने 31 दिसंबर 2023 को मशीन क्या कर दी? बेच दी। हमने कहा ना मशीन होगी, ना प्रोडक्शन होगा, ना प्रोडक्शन होगा,
ना 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, बात समझ लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टर्मिनल ईयर है, लास्ट ईयर है, उस साल कोई आउटफ्लो नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा इनफ्लो। तो इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए है ये बिजनेस में कितने साल तक यूज होता रहा, 4 साल तक यूज होता रहा। लगा कब? 1 जनवरी को। वापसी एक तरीके से वापस परमानेंटली कब आया? एक होता है टेम्परेरी वापस आना, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब हर रोज आ रहा था, हर रोज वापस जा रहा था। परमानेंट का मतलब अब आ गया, जाएगा नहीं, क्योंकि मशीन ही नहीं आपके पास में। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है ये 1 लाख रुपए जो आज आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। ये जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हैं उस दिन वो आउटफ्लो है, और जिस दिन आपको परमानेंट वो वापस मिल जाएगा आपके लिए क्या है? इनफ्लो। तो इनफ्लो कौन सी ईयर में? टर्मिनल ईयर में। और आउटफ्लो कौन सी ईयर में? जीरो ईयर में। और इस 1 लाख को नाम क्या दिया जाएगा? 1 लाख रुपए को नाम क्या दिया जाएगा? नाम भी तो होगा इसका कुछ, वर्किंग कैपिटल। क्या नाम होगा इसका? वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए जो पैसा आपको डेली बेसिस पर चाहिए होता है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए जो पैसा आपको चाहिए, उस पैसे को आप क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब यहां पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ कि जीरो ईयर में पहली बार मशीन से प्रोडक्शन करने के लिए आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी, एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा भाई ये पैसा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक चैप्टर बना होगा, अपने नाम भी सुनाऊंगा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, यदि बुक आपको मिली है तो उसमें इंडेक्स में एक चैप्टर का नाम भी है, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, उस चैप्टर का पर्पज ही क्या था पढ़ाने का कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा आपको चाहिए उसकी आपको कितनी रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द ईयर, या ड्यूरिंग होल लाइफ जितने साल भी आप बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैंने सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ तक लिखी है इसका नाम क्या था? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, और उस पर मैंने क्या ऐड कर दिया? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। कौन सी ईयर का? जो पैसा मैंने 1 जनवरी 2020 जिस दिन मैं फिक्स्ड एसेट खरीदने की सोच रहा हूँ उस दिन जो पैसा मैंने लगाया होगा, सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ जी, कैश आउटफ्लो। हाँ जी, कुछ लोग इसको कह देते हैं फ्यूचर कैश आउटफ्लो, हम क्या कह देते हैं? खाली कैश आउटफ्लो, या आप कह सकते हैं एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो। कोई दिक्कत इसमें? तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो बिजनेस में मशीन को खरीदने के टाइम पर पहली बार इन्वेस्ट हुआ, और कब तक लगा रहा बिजनेस में? जब तक वो मशीन आपके पास बिजनेस में है। तो यहां मेरे को कौन सी वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए? जो इस पर्टिकुलर मशीन के लिए चाहिए। और मान लो मेरे पास 10 मशीन है और मैं डिसीजन मेकिंग इस मशीन के लिए कर रहा हूं, तो मुझे वर्किंग कैपिटल का पैसा किसके लिए चाहिए? खाली इसी मशीन का, बाकी 9 मशीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यदि मैं डिसीजन मेकिंग एक पर्टिकुलर मशीन की कर रहा हूं तो मुझे आउटफ्लो भी उस पर्टिकुलर मशीन का चाहिए, इनफ्लो भी उसी पर्टिकुलर मशीन का चाहिए। हो गया यहां तक लिखने का काम? तो जो वर्किंग कैपिटल है, इस एग्जांपल से मुझे 2 चीजें समझ में आई। क्या क्या? हाँ जी, वर्किंग कैपिटल का जो पैसा होता है वो जीरो ईयर में क्या बनता है? कैश आउटफ्लो बनता है। और
टर्मिनल ईयर में, टी का मतलब टर्मिनल ईयर, आखिरी साल, क्या बन जाएगा आपके लिए? कैश इनफ्लो, ठीक है ना। सपोज करते कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली, मकान मालिक आपसे क्या मांग रहे हैं? सिक्योरिटी का पैसा मांग रहे हैं, ठीक है जी। तो जो आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो उसका आपको मंथली रेंट तो देने ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके साथ साथ आपको वन टाइम क्या देनी पड़ेगी? सिक्योरिटी। सपोज करते वो जगह आपने 3 साल के लिए ली है, कोई हाउस है कोई घर है जो आपने किराए पे लिया, 1 जनवरी 2020 को, ठीक है जी। ये सोच के कि 31 दिसंबर 2023 तक मुझे इस घर की जरूरत है, तो 1 जनवरी को जो उसने सिक्योरिटी दिया होगा, मान लीजिए 1 महीने का जो रेंट है मंथली रेंट वो 10,000 रुपये, मकान मालिक ने कहा जी वो सिक्योरिटी हमें चाहिए 3 महीने का एडवांस चाहिए, मतलब 3 महीने का जो रेंट बनता है उतना पैसा सिक्योरिटी का चाहिए, तो 10,000 × 3 तो 30,000 रुपये हमने सिक्योरिटी के पैसे दे दिए। कब? 0 ईयर में दे दिए ना। और मकान कब खाली होगा? 31 दिसंबर 2023 को। तो 31 दिसंबर 2023 तक का मंथली रेंट हम दे चुके होंगे। हर साल जो भी एग्रीमेंट में इन्फ्लेशन होगा वो अमाउंट हम धीरे धीरे क्या करते रहेंगे? बढ़ाते रहेंगे। पहले साल मान लो 10,000 है, दूसरे साल हो सकता है 10% बढ़ाओ तो 11,000, फिर 12,000, 12,500, जो भी होगा अमाउंट, वो एक अलग चीज़ है। 31 दिसंबर को जब ये घर खाली करोगे तो आपको ये सिक्योरिटी जो आपने 30,000 रुपये 4 साल पहले दी थी, 4 साल हो गए ना, 2020, 2021, 2022 और 2023, लेकिन यदि 23 में से 20 माइनस करते तो कितना आता है? 3। तो मैथ यहाँ नहीं चलता। पहली बात, यहाँ जो आपको वापस 30,000 रुपये मिलेंगे ये आपको बार बार मिलेंगे या एक ही बार मिलेंगे? एक ही बार मिलेंगे। तो ये आपके लिए आज क्या है? कैश आउटफ्लो। और ये टर्मिनल ईयर में क्या बन जाएगा? इनफ्लो बन जाएगा। तो ये आपका है टर्मिनल ईयर और ये आपके पास है 0 ईयर। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में इस चैप्टर में वर्किंग कैपिटल का पॉइंट आपको दे रखा होगा तो वर्किंग कैपिटल की कितनी एडजस्टमेंट होगी? 2। पहली एडजस्टमेंट कौन से ईयर में? 0 ईयर में। जो भी आप कैश आउटफ्लो निकाल रहे होंगे, जैसे मान लो आप कैश आउटफ्लो निकालना चाहते हैं 0 ईयर का, तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट निकालने के बाद उसमें वर्किंग कैपिटल का पैसा क्या कर दो? ऐड कर दो, क्योंकि ये पैसा भी आपके लिए आउटफ्लो है और ये भी पैसा आपके लिए क्या? आउटफ्लो। तो जब दो चीजें आउटफ्लो हैं और आपको क्वेश्चन में आउटफ्लो ही निकालना है तो दोनों की सेम नेचर है, और जब दो चीजों की सेम नेचर होगी तो आपको करना क्या होगा? ऐड करना होगा, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैं वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल यदि किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो इनफ्लो और आउटफ्लो के टाइम पर ध्यान से सुनना, जब मैं वर्किंग कैपिटल का ट्रीटमेंट कौन से ईयर में कर रहा हूं? 0 ईयर में, तो आउटफ्लो निकालते टाइम मुझे वर्किंग कैपिटल का पैसा क्या करना है? ऐड करना है। कैसे? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, और उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड के नाम से ऐड कर दूंगा। ऐड करने की वजह, ये भी आपका कैश आउटफ्लो है, ये भी कैश आउटफ्लो है। जब दो चीजों की सेम नेचर होती है तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। राम भी आपका दुश्मन है, हरि भी आपका दुश्मन है, तो दुश्मन की लिस्ट में कितने नाम आ गए? 2। बात समझो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अच्छा जब हम बात करें किसकी? टर्मिनल ईयर की, तो टर्मिनल ईयर में हमें क्या निकालना है? इनफ्लो। तो टर्मिनल ईयर की अभी हमने बात की नहीं है, जब भी बात करेंगे तो यहां पे जो भी वैल्यू लिखेंगे उसका नाम होता है आपका CFAT, CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अभी इसका मतलब आपको क्लियर है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? CFAT, उसमें मुझे वर्किंग कैपिटल, यहां तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड और यहां लिखूंगा रिलीज। अब इसकी जरूरत क्या हो गई? खत्म हो गई। ये 30,000 रुपये 1 जनवरी को रिक्वायर्ड था, किसके पास था? लैंडलॉर्ड मकान मालिक के पास था। अब उससे 30,000 रुपये मैंने ले लिए, रिलीज हो गए ना। अच्छा यहां पे मैंने प्लस क्यों किया?
क्योंकि CFAT कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये मेरा इनफ्लो है और ये भी मेरा इनफ्लो है। जब दोनों इनफ्लो है तो नेचर सेम है, नेचर सेम है तो प्लस। तो क्या चीज समझ में आई? वर्किंग कैपिटल का जो भी आपका मतलब पॉइंट आएगा एग्जाम में उसमें जीरो ईयर में भी आपको प्लस करना है और टर्मिनल ईयर में भी प्लस करना है। जीरो ईयर में प्लस करने की वजह क्या है कि वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे लिए कैश आउटफ्लो है, जिसकी एडजस्टमेंट मैं किसके साथ कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो मेरे लिए क्या है आउटफ्लो, दोनों आउटफ्लो है इसलिए साइन लग गया प्लस का। जब टर्मिनल ईयर में आए तो वर्किंग कैपिटल जो पैसा आज हमने लगाया था उसकी रिक्वायरमेंट टर्मिनल ईयर में क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म हो गई तो वो पैसा वापस तो आया, गया नहीं, तो वापस आने के बाद जब जा नहीं रहा तो वो मेरे लिए रिलीज हो गया, उसका यूज होना बंद हो गया। तो ऐसे केस में वर्किंग कैपिटल इनफ्लो है और उसकी एडजस्टमेंट किसके साथ कर रहे हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं CFAT शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक और नाम भी होता है प्रोजेक्ट अर्निंग। एक और नाम भी है कैश फ्लो जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे, अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। तो यहां पे सारी चीजें मत लिखो, सिर्फ अभी क्या लिखो CFAT। तो CFAT भी मेरे लिए इनफ्लो है और वर्किंग कैपिटल रिलीज भी मेरे लिए क्या इनफ्लो। अब दोनों इनफ्लो है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप अपने मान लीजिए ATM मशीन से पैसे निकाल के बाहर निकले तो पैसे आपके हाथ थे वो इनफ्लो था, जब बाहर निकले तो किसी का पर्स गिरा हुआ था अपना समझ के आपने उठाया और पैसे निकाल के पर्स वहीं छोड़ दिया। अब बताओ पैसे कितने अपने प्लस जो फ्री में मिले, इनफ्लो तो दोनों हो गए ना। बात समझो, तो जब भी पैसा कहीं से भी आता है लोग क्या करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, और जब पैसा जाता रहता है तो उसको भी ऐड करते रहते हैं, यार इतना पैसा इसके नाम पे गया, इतना पैसा इसके नाम पे गया, सबको क्या कर दो ऐड कर दो। तो कैश आउटफ्लो निकालते टाइम आपको कितनी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, दो चीजों को, किस किस को, कि जो फिक्स्ड एसेट मैं खरीदना चाहता हूं उस फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए एक तो कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे और वो फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है उसे निकालते टाइम हमें दो तरीके के खर्चे चाहिए। जिस दिन मैंने फिक्स्ड एसेट खरीदी उस दिन मेरी जेब से कितना पैसा जा रहा है और उसको यूज करने तक, मतलब यूज करना स्टार्ट नहीं किया, यूज करने तक, जिस दिन मैं यूज करना पहली बार स्टार्ट करूंगा उस दिन तक के सारे खर्चे भी क्या करने, ऐड करने। तो वो सारा का सारा अमाउंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, कैश आउटफ्लो, जिसको हमने नाम दे रखा है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्लस यदि उस फिक्स्ड एसेट से प्रोडक्शन करनी है और आपको डेली बेसिस पे पैसा लगाना है तो पैसा लगाना कितनी बार है, एक बार, क्योंकि वो पैसा आज लगेगा कल वापस आएगा फिर वापस चला जाएगा फिर आएगा फिर वापस चला जाएगा, तो लगा कितनी बार, एक बार। और परमानेंटली वो वापस कब आएगा, लास्ट ईयर में। तो जिस दिन वो गया उस दिन आउटफ्लो बन गया और जिस दिन वापस आया इनफ्लो बन गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एक एग्जांपल लिखते हैं। देखिए इस चैप्टर में सबसे मेन जो आपके पास होता है वो होता है कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। जिस बच्चे की कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट गलत हो गई समझ लो उसका डेप्रिसिएशन गलत हो गया, डेप्रिसिएशन गलत हो गया समझ लो उसका कैश इनफ्लो गलत हो गया, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट गलत हो गया मतलब आउटफ्लो गलत हो गया। यदि दोनों वर्किंग नोट आपके गलत हो गए तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं। बात समझो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट से क्या निकलना है, कैश आउटफ्लो, और फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट निकालने के बाद क्या निकलना है, डेप्रिसिएशन, जिसका यूज कहां पे होना है, कैश इनफ्लो में। तो यदि फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को निकालते टाइम यदि कोई गलती हो जाए गलती से तो पूरा क्वेश्चन आपका समझ लो क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, मुझे नहीं पता इस बारे में भी, थोड़ी देर में आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा आपने इतना चलो बोल ही दिया तो थोड़ा सा मैं भी उसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ, नॉन कैश बिजनेस एक्सपेंस। क्या बोलोगे आज से, नॉन कैश बिजनेस एक्सपेंस, ये वो खर्चा है जिसकी पेमेंट मुझे नहीं करनी पड़ती, किसकी, डेप्रिसिएशन की, पर ये खर्चा किसका होता है, बिजनेस का। क्योंकि जब कोई कस्टमर हमसे कोई गुड्स खरीदने आता है तो हम उस कस्टमर से क्या कहते हैं, इस गुड्स को बनाने में एक मशीन का इस्तेमाल हुआ है तो हम आपसे मशीन के पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन जो मशीन आपको इस गुड्स को बनाने में यूज हुई है जितने रुपए की यूज हुई है उतने रुपए हमें आपके डेप्रिसिएशन के नाम से चाहिए। तो डेप्रिसिएशन वो खर्चा है जिसकी पेमेंट मुझे करनी तो नहीं है पर उसके पैसे लेने किससे, कस्टमर से लेने, इसलिए इसे हम कहते हैं बिजनेस एक्सपेंस। क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है, वो सारे खर्चे जिसका बर्डन किस पर डालना है, कस्टमर पर डालना।
तो हमारे दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक जिसकी पेमेंट मुझे करनी है, एक जिसकी मेरे को पेमेंट नहीं करनी। ये सारी चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्जांपल नंबर वन, जिसमें मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कैश आउटफ्लो। तो सबसे पहले मान के चलते कि आपको लेस प्राइस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, एक मशीन आपको दे रखी है 10 लाख रुपए की। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर ने स्कीम लगा रखी है कितने परसेंट की, 20% की। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, आपके पास में इरेक्शन चार्जेस जिसको इंस्टॉलेशन चार्जेस कहते हैं, आपके पास में अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं अलग लेकिन नेचर में कैपिटल है वो हमें दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपके पास है 10,000 रुपये, लेस प्राइस आपके पास है 10 लाख रुपए, ट्रांजिट इंश्योरेंस आपके पास में है मान लीजिए 2,000 रुपए, इंपोर्ट ड्यूटी आपके पास है 20,000 रुपए, इरेक्शन चार्जेस सपोज करते 28,000 रुपए, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 15,000। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू भी लिख देते हैं, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो सपोज करते हैं 1 लाख रुपए। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको यहां पर एक पॉइंट भी दे रखा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है 1.5 लाख रुपए। आपको फाइन क्या क्या करने, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, दूसरा कैश आउटफ्लो, तीसरा एनुअल डेप्रिसिएशन। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल का मतलब क्या, किसमें बस कुछ पॉइंट्स हैं, स्टेप्स के हिसाब से आपको क्या करना है चलना है। और स्टेप में पहला स्टेप आपको समझना क्या, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, दूसरा स्टेप है डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। 2-3 चीजें यदि आपने ढंग से निकाल ली तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली सीधा सीधा चल देगा और आंसर बिल्कुल सही आएगा। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू हम एस्टिमेटेड बेसिस पे पता लगाते हैं, जो मार्केट में कंसल्टेंट होते हैं या जिन लोगों ने ये मशीन पहले खरीदी थी, हम उन लोगों से मिलके आते हैं कि भैया ये मशीन आपने कितने साल पहले खरीदी, उन्होंने कहा जी 4 साल पहले खरीदी। मैंने कहा जी आज ये कितने में बेच दी आपने, उन्होंने कहा जी 1 लाख में बिक गई। तो मुझे लगा जब यार आज इन्हें 1 लाख मिल गए तो मुझे भी 1 लाख मिल लेंगे। अब एक्चुअल में 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है, 1 लाख से कम भी हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं कौन से बेसिस पे, एस्टिमेटेड। कैपिटल बजटिंग, बजटिंग का तो मतलब जानते हैं, एस्टिमेशन किसका, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका हम अंदाजा लगा के चलते हैं। देखिए, 3 छोटी छोटी चीजें आपको निकालने के लिए मैंने बोला, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है।
तो सबसे पहले देखिए हमें क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दे रखी है 10 लाख रुपए, और सप्लायर हमें मशीन बेचते टाइम क्या कहता है कि हम आपको 20% क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। इसका मतलब वो मशीन जो 10 लाख की है, 20% डिस्काउंट मिलने के बाद हमें कितने की पड़ेगी, 8 लाख की। फिर 8 लाख में मुझे क्या ऐड करना है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस। मतलब जिस दुकानदार से मैंने मशीन खरीदी है, उस शॉपकीपर से, उस डीलर से मशीन को कहाँ पे लेके आना है, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में उस मशीन को लाते टाइम जो भी ट्रक यूज़ किया मैंने या जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ किया, उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है, 10,000। ट्रांजिट इंश्योरेंस कितना है, 2,000। इम्पोर्ट ड्यूटी कितना है, 20,000। इरेक्शन चार्जेस कितने हैं, 28,000। अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, 15। इसका ना 10 लाख में से पहले 20% 2 लाख रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अभी जो मैंने आपके लिए फॉर्मेट बनाया था, वही फॉर्मेट आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा है पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो सबसे पहले हमने लिखा लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितने थी, 10 लाख रुपए। इसमें से आपने माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 10 लाख का 20% हुआ 2 लाख रुपए। इसका ना नेट परचेज प्राइस कितनी आ गई, 8 लाख रुपए, प्लस जितने भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ₹10,000, ट्रांजिट 2,000, और इंपोर्ट ड्यूटी 20,000। हाँ जी, इंस्टॉलेशन चार्जेस कह दो या इरेक्शन चार्जेस कह दो, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो फिक्स्ड एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 8,75,000। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछ रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा, जो कैश आउटफ्लो मुझे निकालना है, उसमें मेरा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना है, 8,00,000, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,50,000। तो टोटल मुझे कितना पैसा चाहिए मशीन के लिए, 0 ईयर में 10,25,000। मतलब 0 ईयर में, जिस दिन मैं मशीन को इस्तेमाल करना शुरू करूंगा, पहली बार मशीन को खरीदने के लिए 8,75,000, और पहले दिन मुझे मशीन के लिए वर्किंग कैपिटल के नाम से कितना पैसा चाहिए, 1,50,000 रुपये। तो 10,25,000। तीसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है, अब यदि कोई मेथड क्वेश्चन में ना दे रखा हो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो हम कौन सा मेथड यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट या कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट पे रखते हैं ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8,75,000 की जगह किस पे निकाल देते हैं, 10,25,000 पे। क्वेश्चन हो गया गलत थोड़ा सा या पूरा, पूरा क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट कहता सर एक ही तो गलती की है, तो मैं उसको यही समझाता हूँ, एग्जाम में जाओ अपना रोल नंबर की जगह किसी और का लिख के आओ, छोटी सी गलती समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। तो बच्चा कहता सर लिखा तो है ही ना, ठीक है ना, छोटी छोटी गलती तो बड़ी गलती हो जाती है। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट मेरे लिए है 8,75,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू 1,00,000 रुपये डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1,90,000।
हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए भाई, तो फटाफट से एक आपको एक नया एग्जांपल बनाते हैं आपके लिए। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? तो जब भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का पॉइंट दे रखा है, ध्यान से सुनना, यदि किसी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का पॉइंट दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैश आउटफ्लो में अमाउंट अलग लगाएगा। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा 8,75,000 और कैश आउटफ्लो कितना होगा? 10,25,000। अच्छा, किसी क्वेश्चन में यदि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं दे रखी तो उस केस में कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट 8,75,000 है और कैश आउटफ्लो भी कितना होगा? 8,75,000। उस केस में आप डेप्रिशिएशन 8,75,000 पे निकालना चाहते हैं तो बच्चे अपनी मर्जी से कहते हैं भाई 8,75,000 मेरी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट भी है और 8,75,000 ही मेरा कैश आउटफ्लो। तो वो फॉर्मूले में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट की जगह क्या मान के चलते हैं? कैश आउटफ्लो। वो बाई चांस की बात है कि क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों को जो समझ में आता है वो अपनी मर्जी से फॉर्मूला मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसी कोई गलती नहीं करनी, ठीक है ना? अच्छा, जो एग्जांपल अभी आपने किया इसमें थोड़ा सा चेंज लाना है लाइफ में आपको, ठीक है जी। यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, ठीक है जी। क्वेश्चन में लिखा है 25%, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना लिखा है? 25%। और मेथड का नाम चलो मान लेते, क्या दे रखा आपको? SLM को तो वैल्यू भी चेंज कर देते हैं, वैल्यू रहने देते हैं, ताकि जो तो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो तो क्या रहे, सेम रहे। देखो मेहनत लगती है एग्जांपल बनाने में। एग्जांपल 1 को मैंने क्या बनाया? एग्जांपल 2, और इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर दिया, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 25%। अब आपको क्वेश्चन में डेप्रिशिएशन निकाल के बताना है। अच्छा, पहले 2 आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट जितनी है वो वैसी रहेगी, कैश आउटफ्लो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। फर्क कहां पे पड़ेगा? डेप्रिशिएशन पे, या नहीं पड़ेगा? ये मुझे नहीं पता, आपको बताना है। अब देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है, क्योंकि यदि डेप्रिशिएशन इस एग्जांपल में किसी का गलत हो जाता है तो आपका जो कैश इनफ्लो है वो भी गलत हो गया, और यदि कैश इनफ्लो गलत हो जाएगा तो आपका डिसीजन मेकिंग भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक पॉइंट पूछा है मैं, जब से आपने होश संभाला है, अकाउंट पढ़ना स्टार्ट किया है, 11th क्लास में पहली बार बच्चा होश संभालता है, अकाउंट पढ़ता है, 2,18,750। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है, कितने का गलत है। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन सेम है, आपको बस एक नया पॉइंट ऐड करवा दिया कि यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिशिएशन दे रखा हो 25%, तो फिर आपका डेप्रिशिएशन कितना आएगा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मैं 25% निकालूंगा वो किस पे निकालूंगा? फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट 8,75,000 पे, या इसमें से 1,00,000 रुपये की स्क्रैप वैल्यू माइनस करके 7,75,000 पे? 8,75,000। डेप्रिशिएशन का जब भी रेट गिवन होता है तो आपको डेप्रिशिएशन किस पे निकालना पड़ता है? कॉस्ट पे निकालना होता है। उस समय आप स्क्रैप वैल्यू को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। पहले 2 आंसर तो सेम है, एग्जांपल नंबर 2 में फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर तो क्या सेम है, जो मेरा थर्ड आंसर है उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो यहां जो मुझे एनुअल डेप्रिशिएशन निकालना है SLM मेथड से, उसमें मैं क्या लिखूंगा? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय 100। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कितनी है आपके लिए? 8,75,000।
इंटू 20 5% इक्वल टू 2,18,750। कोई ऐसा है जिसने 8,75,000 की जगह 7,75,000 पे डेप्रिसिएशन निकाला है? ठीक है ना, कोई हो तो अपने आप को समझाओ कि ऐसा नहीं करना मुझे, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन में रेट गिवन होता है वो डेप्रिसिएशन किस पे निकाला जाता है? कॉस्ट पे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों का जवाब ये है कि जब आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई कॉस्ट इंटू 100। अब यदि आपने इस रेट को निकालते टाइम डिवाइड किससे किया? कॉस्ट से, तो इस अमाउंट को निकालने के लिए, इस अमाउंट को निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। कुछ मत कहा थोड़ी कि हमने जो ओरिजिनल फॉर्मूला था आपका रेट निकालते टाइम उसी को मैंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो जब आपने इस रेट को निकालते टाइम स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं किए नीचे, तो फिर ऊपर भी तो माइनस नहीं होगा ना। बात समझ में आ गई सबको? तो एग्जांपल नंबर 2 में पहले दो पार्ट तो सेम थे, खाली जो तीसरा पार्ट है उसमें फॉर्मूला आपका थोड़ा सा क्या हो गया? चेंज हो गया। लिया सबने? नोट कर लिया सबने? अच्छा, डेप्रिसिएशन यदि आपको निकालना है और क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम ना दे रखो तो हम बाय डिफॉल्ट किसको यूज कर लेते हैं? ऐसे लें, मतलब हम अपनी एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंपनी कौन सा मेथड यूज कर रही होंगी, स्टेटलाइन, क्योंकि एजम्पशन हम वो लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन क्या बने? इजी। तो सबसे आसान मेथड कौन सा होता है? एसएलएम। अच्छा, यदि किसी क्वेश्चन में मेथड का नाम क्या दे रखा है? WDB मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो फिर आपको WDB मेथड यूज करना पड़ेगा। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशियो दे देते हैं कि डेप्रिसिएशन को इस रेशियो में चार्ज कीजिए, तो फिर हमें डेप्रिसिएशन उस रेशियो में निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में सबसे पहला केस है एसएलएम का, तो एसएलएम में सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला केस गिवन और दूसरा केस नहीं गिवन है। यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा तो फिर उस केस में आप अपना आंसर कैसे निकालेंगे? और यदि दे रखा होगा तो अपना आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है जी। अच्छा, यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है जी। और इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? इग्नोर स्क्वायर वैल्यू। ठीक है जी। हाँ जी, यदि क्वेश्चन में रेट गिवन है तो डेप्रिसिएशन निकालते टाइम स्क्वायर वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं दे रखा तो फिर उस केस में आपको देखना पड़ेगा क्या चीज गिवन है, ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है या बुक वैल्यू गिवन है? ओरिजिनल कॉस्ट कौन था? खाली कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट को क्या कहते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। तो आप खाली कॉस्ट भी कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हैं। एक मैंने लिख दिया WDV, WDV का दूसरा नाम क्या होता है? बुक वैल्यू। क्वेश्चन में हमें ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है या फिर हमें बुक वैल्यू दे रखी है? यदि हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है या फिर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है? बुक वैल्यू, तो फिर डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या होगा? फिर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लिखेंगे कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और यदि क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दे ही नहीं रखी, ओरिजिनल क्या दे रखी है? WDV, तो फिर उस केस में आप क्या लिखोगे? WDV माइनस स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ।
अभी लिखते रहो, जैसे जैसे लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में सारे एग्जाम्पल आएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए जो चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में वो चीज़ होती नहीं। बात समझ में आ गई मेरी? इसी को कहते हैं धीरे धीरे लेवल बढ़ना। ये फॉर्मूला तो बचपन में ही आपने सीख लिया था, ये फॉर्मूला आज की क्लास में सीख रहे हैं। डब्ल्यू डी वी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ। तो पहले जरा इसके बारे में एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो अभी डेप्रिसिएशन निकालते टाइम हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, एग्जाम्पल वन में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा था, एग्जाम्पल वन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं था। तो हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया था, 875,000 माइनस 100,000 डिवाइडेड बाई कितना किया था, 4 किया था। फिर उसी एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा पॉइंट क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% पर एनम के नाम से लिख दिया। तो जैसे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा था, डेप्रिसिएशन निकालने का ये वाला फॉर्मूला जो आपने पहले एग्जाम्पल में यूज किया था कि जगह चेंज हो गया कौन सा, सेकेंड। फिर आपने लिखा 875,000 इंटू 25% डिवाइड बाई 100, 218,000 कितना आया था, 750। ठीक है जी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को फिर से चेंज करते हैं। लिख लिया सबने यहां तक, लिख लीजिए। मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए लिख दिया था। अरे भैया पेशेंस तो रखो, सब कुछ बताएंगे। अभी मैंने आपको कहा कि जो चीज आपने नहीं पढ़ी इसका अंदर ये नहीं है कि आपको वो होती नहीं दुनिया में। पेशेंस रखो थोड़ा कुछ। ठीक है जी, ये वाला जो मेथड यूज होता है, ये वाला मेथड तब यूज होता है जब किसी असेट का रिप्लेसमेंट हो। किसका रिप्लेसमेंट? यदि कोई पुरानी असेट आपने खरीद के रखी हुई है और जिस दिन वो पुरानी असेट खरीदी थी, ये सोच के खरीदी थी 10 साल चलाएंगे और फिर उसको बेच देंगे, लेकिन आपने उस असेट को केवल 5 साल ही यूज किया और 5 साल बाद मार्केट में एक नई मशीन इंट्रोड्यूस हो गई जिसको देख के आपको लगता है कि पुरानी मशीन को बदलना बहुत जरूरी है, नई मशीन को लाना बहुत जरूरी है, मतलब पुरानी को हटाओ नई को लाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरानी मशीन में एक तो मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा था, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी, रनिंग कॉस्ट ज़्यादा थी, और न्यू मशीन के मेंटेनेंस कॉस्ट क्या थी, बहुत कम थी, उसके रनिंग एक्सपेंसेस कम थे, प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल थी, मतलब सेम टाइम में प्रोडक्शन क्या हो सकती थी, डबल। और मार्केट में हैवी डिमांड है, तो जो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे केस में हम पुरानी मशीन को बदलने का सोच रहे हैं कि बदलें या ना बदलें। तो उस केस में जो मशीन आपने 5 साल पहले खरीदी होगी, जिस दिन खरीदी होगी उस दिन वो न्यू असेट थी, उस दिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, लेकिन आज उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में कौन सी दिखाई देगी, बुक वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है ना। और यदि उस असेट पे एसएलएम मेथड यूज करना है तो मेरे पास में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उस असेट पे 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं 5 साल पहले की वैल्यू ढूंढ लूं जिसको नाम दूंगा ओरिजिनल कॉस्ट, या आज की वैल्यू ढूंढ लूं तो उसका नाम क्या होगा, डब्ल्यूडीबी। अच्छा वो असेट मैंने कितने साल के लिए खरीदी थी, 10 साल के लिए, जिस दिन खरीदी थी उस समय उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल, और आज वो कितने साल यूज हो चुकी है, 5 साल। तो अब उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 5 है ना। जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आज आप गए और आपने उससे पूछा जी मेरी एज क्या है, उसने कहा जी टोटल आप 40 साल जियोगे, पता लगा जी 21 साल आपकी उम्र हो चुकी है, तो 21 साल एक्सपायर हो गए, अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, 19 साल रिमेनिंग पीरियड कहेंगे आपकी लाइफ का। बात समझ में आ रही है? ऐसी मशीन की लाइफ पता लगाते हैं, 10 साल लाइफ थी उसमें से 5 साल यूज हो चुकी, तो 5 साल तो गए एक्सपायर्ड पीरियड, निकल चुका बेकार हो गया, 5 क्या है, अनएक्सपायर्ड, उसको कहते हैं रिमेनिंग लाइफ। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए उस एग्जांपल में, जो अभी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, 2। या तो मेरे पास 10 साल पहले की, मतलब 5 साल पहले कह दो उसको, उस दिन की वैल्यू दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट, या 5 साल बाद की वैल्यू दे रखी होगी तो कौन सी होगी, बुक वैल्यू। क्योंकि एग्जाम्पल बनाते हैं, हाँ जी 1 जनवरी कोई सा भी ईयर ले लो, 2015 ले लेते हैं, तो 15, फिर आपके पास आ गया 31 दिसंबर, 15 एक साल हो गया, फिर 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, कितने साल हो गए, 2015, 2016, 2017, 3 साल हो गए, कि 3 साल असेट के निकल चुके हैं,
मतलब 3 साल असेट को यूज करते करते हो चुके। इस दिन जब मैंने असेट खरीदी थी तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, ठीक है। 31 दिसंबर को 2017 में हमारे माइंड में आया क्यों ना यार इस मशीन को बेच ही दी जाए और एक नई मशीन खरीद ली जाए। तो आज आपकी वैल्यू इस 31 दिसंबर को जो बैलेंस शीट में होगी वो 10 लाख थोड़ी होगी। 3 साल डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, 2015 का, 2016 का और 2017 का। तो इस साल का डेप्रिसिएशन लगा, इस साल का लगा और इस साल का लगा। स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई थी 1 लाख रुपए और लाइफ हमारे पास थी क्वेश्चन में, मान लीजिए सपोज करते हैं 8 साल ले लेते हैं। तो बताइए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ आपका। इससे में आप लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, जिस दिन असेट खरीद रहे हैं उस दिन से वो असेट कितने साल टोटल चल पाएगी, टोटल लाइफ, यूजफुल लाइफ। यानी 10 लाख रुपए में से हमने 1 लाख रुपए माइनस किए 9 लाख आ गया, 9 लाख को 8 से डिवाइड किया 1,12,500। इसका ना 2015 में 1,12,500 का डेप्रिसिएशन लगा, 2016 में 1,12,500 का डेप्रिसिएशन लगा और 2017 में भी तो 1,12 का। तो आज आपकी असेट की वैल्यू जो थी वो कितनी होगी। मैंने कहा 10 लाख रुपए में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एडी का मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब पिछले 3 साल का डेप्रिसिएशन का टोटल क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है जी। 1,12,500 के हिसाब से 3 साल का कितना आएगा, 3,37,500। तो आज आपकी असेट की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो कितनी है, 6 लाख। डबल सिक्स लेके, ठीक है जी। अब यदि मुझे क्वेश्चन में कहा जाए डेप्रिसिएशन बताइए, मान लो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखा है, WDV दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू मुझे 1 लाख रुपए बता रखी है और मुझे क्वेश्चन में कह रखा है कि रिमेनिंग जो लाइफ है, अच्छा ये बताओ रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, यूजफुल लाइफ कितनी थी 8 साल, उसमें से कितने साल असेट की लाइफ कम हो चुकी है। तो यदि मुझे ये 3 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी हो और मुझसे कहा जाए फाइन डेप्रिसिएशन, तो फिर ऐसे केस में डेप्रिसिएशन निकालने का एक ऑप्शन तो ये था जिसका मैं यूज कर चुका, लेकिन कब, जब मेरे पास में इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, ओरिजिनल कॉस्ट और क्या लिखा होगा, यूजफुल लाइफ। लेकिन यदि मेरे पास क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट ना दे रखी हो, बदले में क्या दे रखी हो, WDV, और लाइफ ओरिजिनल की जगह कौन सी दे रखी हो, रिमेनिंग। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, WDV माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ। तो आपकी WDV कितनी है क्वेश्चन में, 6,62,500 माइनस डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, तो हम तो पहले ही कह रहे थे 1,12,500, ठीक है जी। पर ये वाली चीजों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वाली मेथड की जरूरत कब पड़ती है, जब किसी पुरानी असेट को बदलने का आप सोच रहे हैं आज, और सोच रहे हैं कि आज पुरानी असेट को निकाल के बिजनेस से नई असेट खरीद लें। तो पुरानी असेट के अभी कितने साल बाकी थे, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, 5 साल बाकी है ना 17 के हिसाब से। तो मुझे यहां पे डिसीजन मेकिंग करनी है कि अगले 5 साल क्या मैं पुरानी असेट को बिजनेस में कंटिन्यू रखूं या उसको आज बेचकर एक नई मशीन खरीदूं। तो यदि मैं इस पुरानी मशीन को और 5 साल यूज करूंगा तो उन 5 साल में भी तो 5 बार डेप्रिसिएशन लगेगा। अब मुझे वो डेप्रिसिएशन निकालना है अगले 5 साल का, उसको निकालने का एक आसान तरीका क्या था कि मुझे यदि ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता, और यदि मुझे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी उसके हिसाब से आपको क्या करना है, फॉर्मूला ढूंढना है। अच्छा एक बात बता सकते हो, क्या WDV कॉस्ट का पार्ट होता है, नहीं होता, क्या WDV कॉस्ट का पार्ट होता है, नहीं होता, अच्छा WDV का एक्चुअल मतलब होता है रिमेनिंग कॉस्ट। आप ये देखो 6,62,500 किसका बचा हुआ पार्ट है, 10 लाख का ही तो पार्ट है,
यदि 10 लाख कॉस्ट है तो 6,62,500 भी दो कॉस्ट ही है, फर्क क्या दोनों में? ये वो 10 लाख रुपए है जिसपे एक बार भी 1 रुपए का भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा, और ये 6,62,000 वो कॉस्ट है जिसपे 3 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो दोनों ही कॉस्ट, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इसको कहते हैं रिमेनिंग कॉस्ट। तो रिमेनिंग कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? WDP। तो है तो कॉस्ट ही। तो यदि रिमेनिंग कॉस्ट लिखोगे तो रिमेनिंग लाइफ लिखोगे, ओरिजिनल कॉस्ट लिखोगे ओरिजिनल लाइफ लिखोगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेस क्या रखना है? सेम रखना है, ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लाइफ, रिमेनिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई रिमेनिंग लाइफ। चलो भाई फार्मूला बन गया, आज से लिख लो भाई सब कुछ। तो यदि मैं अगले 5 साल का भी डेप्रिसिएशन निकालना चाहता हूं इस एसेट पे, तो मुझे देखना पड़ेगा जो डाटा क्वेश्चन में गिवन है वो ये वाला गिवन है तीनों, तो इस वाले फॉर्मूले से 1,12,500 बोलूंगा। और यदि ये तीनों इंफॉर्मेशन की जगह मुझे ये तीन इंफॉर्मेशन दे रखी होती, WDV, स्क्रैप वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ, तो मैं अपना आंसर इस वाले फॉर्मूले से लिखूंगा। मुझे तो 1,12,500 चाहिए कैसे भी मिल जाए, ठीक है इतना। तो कुछ चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे बताई जाती है, ताकि आप समझ सके आसानी से। तो मैंने आपको बताया भाई, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, आज एक नया फॉर्मूला आपने और सीखा। उस फॉर्मूले का जनरली यूज कब होता है? जब किसी असेट की आपको बुक वैल्यू दे रखी है और उसका फ्यूचर का आपको क्या निकालना हो? डेप्रिसिएशन। और समय आपके पास में जो लाइफ है वो ओरिजिनल की जगह कौन सी दे रखी हो? रिमेनिंग। और ये जनरली ये वाला फॉर्मूला हम जब निकालते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तो कहाँ यूज होता है? रिप्लेसमेंट के केस में। हाँ, ये सबको समझ में आया भाई? तो जिन जिन के मन में ज्यादा पॉइंट होते क्यों वाले, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, देखिए ज़्यादातर केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। हाँ जी, हो गया सबका? तो देखिए SLM के मैंने आपको दो केस बताए। पहला केस क्या था? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यदि गिवन है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करके आंसर निकालना है, और इस आंसर में आपको स्क्रैप वैल्यू क्या करनी है? इग्नोर करनी है। अच्छा, यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं दे रखा तो देखना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है या फिर बुक वैल्यू गिवन है। जो भी चीज आपको गिवन होगी उसके हिसाब से आपको क्या करना है? आंसर निकालना। अब नेक्स्ट आपके पास है WDV। WDV मेथड के हिसाब से पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है फर्स्ट ईयर का, वो किस पे निकलना है? सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बेस क्या होगा? बदल देगा। पहले साल का जो आप डेप्रिसिएशन निकालते हो तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। लेकिन यदि सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है तो आपको इस वाली कॉस्ट में से पहले फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या करना होगा? माइनस, क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन लगाना है रिमेनिंग कॉस्ट पर। रिमेनिंग कॉस्ट का मतलब WDV। तो WDV यहां पे लिखेंगे 1, 1 का मतलब फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के WDV कैसे निकलेगी? कॉस्ट में से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या कर दो? माइनस कर दो।
अच्छा जी, मुझे WDV फर्स्ट ईयर के चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का क्या करना होगा? माइनस करना होगा। अच्छा जी, मुझे थर्ड ईयर का चाहिए, यदि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए WDV कौन से ईयर के चाहिए? सेकंड ईयर के। मतलब जिस साल का आंसर निकालते हैं उससे एक साल पहले का WDV चाहिए। दिमाग पे जोर नहीं डालना, आपको खराब हो सकता है, ठीक है भाई? जिस साल का आंसर निकालना है उससे पहले साल का आपको क्या चाहिए? WDV। तो यदि मुझे सेकंड ईयर का WDV चाहिए, तो फर्स्ट ईयर के WDV में से सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी क्या कर दो? माइनस कर दो, ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशियो दे रखी होती है, जैसे वो कहते हैं डेप्रिसिएशन जिस फिगर सेट पे निकालना है उसे 2:3:5:7 की रेशियो में निकालो, या 7:5:4:2 की रेशियो में निकालो, मतलब कोई रेशियो दे रखी होती है उसके हिसाब से। अब वो रेशियो निकालते कैसे? उन्हें लगता है इस साल हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लगनी चाहिए क्योंकि मशीन ज्यादा यूज होगी। जिस साल उन्हें लगता है प्रोडक्शन क्या होगी? कम होगी, तो उनको लगता है मशीन कम यूज होगी, डेप्रिसिएशन भी कम लगना चाहिए। तो स्पेसिफिक रेशियो के केस में वो डेप्रिसिएशन किसके हिसाब से निकालते हैं? प्रोडक्शन के हिसाब से। अब वो प्रोडक्शन का एस्टिमेशन कर लेते हैं, किस साल प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, किस साल प्रोडक्शन कम करनी है, ठीक है ना? डेप्रिसिएशन कम, तो स्पेसिफिक रेशियो, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ईयर आपको दे रखे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और टर्मिनल ईयर, ये आपके ईयर हो गए, मतलब चार साल का। रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3:5:2:5, ठीक है? तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन जो है किस में बांटोगे? रेशियो में। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए किस में बांटोगे? रेशियो में। अच्छा, बांटोगे किसको? कॉस्ट को, या उसमें से स्क्रैप वैल्यू दे रखी है उसको माइनस करके? हाँ जी, सुन लो पहले, कि जो रेशियो आपको इस्तेमाल करनी है वो रेशियो किस पे इस्तेमाल करनी है? कॉस्ट पे, या कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके? तो आपका आंसर है कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे? स्क्रैप वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन उस अमाउंट को मान के चल रहे हैं जो पैसा हमने चार साल में यूज किया होगा। तो यदि आज हमारी एसेट की कॉस्ट है 10 लाख रुपए और स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए चार साल बाद, तो बिजनेस में पैसा कितना यूज होगा चार साल में? 10 लाख माइनस 1 लाख तो वापस आ जाएगा, तो यूज कितना हो रहा है? 9 लाख। तो 9 लाख रुपए को किस रेशियो में बांटना है? 3:5:2:5। तो छोटे छोटे पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, सिर्फ रेट के केस में जहां पे रेट गिवन होता है वहां पे स्क्रैप वैल्यू क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने की वजह क्या थी वो मैंने आपको समझा दी थी। तो स्पेसिफिक रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करती है? जनरली प्रोडक्शन के ऊपर। मैन्युफैक्चर को लगता है कि भी पहले साल में मेरी प्रोडक्शन 30,000 यूनिट की होगी, दूसरे साल 50,000 यूनिट की होगी, तीसरे साल 20,000 यूनिट की होगी, फिर चौथे साल 50,000 यूनिट की होगी। तो उसने रेशियो क्या बना दी? 30,000
50,000, 20,000, 50,000 3:5:2:5 तो वो कहते हैं डेप्रिसिएशन इस रेशो में चार्ज करो, ना SLM से मुझे मतलब, ना मुझे WDV से मतलब। हाँ, यहां तक नोट कर लिया सबने? तो फिर आपका एग्जांपल क्या बनता है यहां पे? हाँ जी, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, हाँ जी कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट मान के चलते हैं 10,00,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर 4 इयर्स 1,00,000 रुपए, स्पेसिफिक रेशो आपको दे रखे मान लीजिए 3:4:5:3 कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। अब यदि मुझे क्वेश्चन में एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, सॉल्यूशन क्या होगा मेरा? यानी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या? कॉस्ट माइनस स्क्वायर वैल्यू, और जिस साल का आंसर निकालना है उस साल की रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, यदि मुझे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है कौन से ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो ऐसे में एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट कितनी है 10,00,000, स्क्वायर वैल्यू कितनी है 1,00,000, वैल्यू कितनी बची 9,00,000, कौन सी ईयर का आंसर निकालना है फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर की रेशियो क्या बनेगी 3:4:5:3 का टोटल कितना है 15, तो 3/15, तो 3/15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मुझे सेकेंड ईयर का आंसर निकालना है तो सेकेंड ईयर का आंसर निकालने के लिए रेशियो सेकेंड ईयर की इस्तेमाल होगी 4/15। यदि मुझे थर्ड ईयर का आंसर निकालना है तो रेशियो मुझे थर्ड ईयर की यूज करनी है 5/15। और यदि मुझे लास्ट ईयर का, जिसको कहते हैं टर्मिनल ईयर, आखिरी साल, तो फिर उस केस में रेशियो आपकी आ जाएगी फिर से 3/15। तो आपका आंसर पहले साल का कितना आएगा 1.80, दूसरे साल का कितना लिखेंगे 2.40, 3,00,000, 1,80,000। बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें? तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका पहले साल का आ जाएगा 1.80, दूसरे साल का आ जाएगा 2.40, फिर 3,00,000, और फिर कितना है 1.80। तो किसी भी मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, जो मेथड क्वेश्चन में दे रखा हो, और यदि मेथड ना मेंशन कर रखा हो तो SLM। अच्छा, स्पेसिफिक रेशियो समझ में आया कैसे निकालते हैं? जिस साल मैन्युफैक्चर को लगता है मशीन का यूज ज्यादा होगा उस साल डेप्रिसिएशन क्या लगना चाहिए ज्यादा? हाँ जी बोलो, दे सकता है 20%, 30%, 40%, 10%। ठीक है भाई, इतना तो अभी तक आपने क्या निकालना सीखा? एक तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैश आउटफ्लो और डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कैश इनफ्लो। अच्छा, जब कैश इनफ्लो निकालते हैं तो हम लिखते हैं एनुअल कैश इनफ्लो। क्योंकि हाँ, जो आपको इनफ्लो मिलेगा वो एक साल से, मतलब एक बार से ज्यादा मिलेगा। यदि एसेट की लाइफ 4 साल है, मान लो लाइफ कितने साल है 4 साल, तो कंपनी अपना इनफ्लो की कंप्यूटेशन कितनी बार करेंगे? 4 बार। क्योंकि हर साल के ईयर एंड में वो अपने अकाउंट्स बनाएंगे, जिससे उनको पता लगेगा ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में कितना पैसा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर उनको मिला या मिलेगा। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड पे बात चल रही है, इसका ना कितना पैसा मिलेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी एनुअल कैश इनफ्लो निकालने के लिए फर्स्ट ईयर
सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर कौन सा आपका? टर्मिनल। अच्छा फोर्थ ईयर भी लिख सकते हैं खाली, तो टर्मिनल में इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अच्छा सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सेल्स वैल्यू। हम मान के चलते हम सारी की सारी सेल कौन से बेसिस पे करें? कैश बेसिस पे, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स भी होगी तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा आपको। अभी हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं स्टार्टिंग में? सारी की सारी सेल कौन सी है? कैश सेल है। अब सारी की सारी सेल कैश है तो सेल कैसे निकालते होंगे? जो क्वांटिटी हम फर्स्ट ईयर में बेचेंगे, क्वांटिटी सोल्ड इन फर्स्ट ईयर, क्वांटिटी सोल्ड इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा हर साल की सेलिंग प्राइस सेम भी हो सकती है या चेंज भी हो सकती है, वो तो क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसके हिसाब से काम करना है। जनरली क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मान के चलते हैं सेलिंग प्राइस हर साल क्या सेम है। अच्छा सेल में से क्या माइनस करना है फिर आपको? कॉस्ट माइनस करनी है। कौन सी कॉस्ट माइनस करनी है? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट में जैसे आपके पास आ गया मटेरियल, ठीक है जी, वेजेस आ गई आपके पास में, आपके सेल्स कमीशन आ गए, पावर कॉस्ट हो गई, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके आ गए? वेरिएबल कॉस्ट के। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट के बाद आपके पास क्या? फिक्स कॉस्ट। अच्छा फिक्स कॉस्ट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, कैश फिक्स कॉस्ट और नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। तो कैश फिक्स कॉस्ट हमने पहले माइनस की, कैश फिक्स कॉस्ट। अच्छा कैश फिक्स कॉस्ट के कुछ एग्जांपल, जैसे मशीन का इंश्योरेंस हो गया, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये सारे के सारे खर्चे कौन से एग्जांपल है? कैश फिक्स कॉस्ट के। सेल में से हमने माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, हमने माइनस किया कैश फिक्स कॉस्ट। दोनों चीजें माइनस करने के बाद जो हमारे पास में प्रॉफिट बचेगा उसका कोई ना कोई तो नाम होना चाहिए, क्या नाम रखेंगे? तो उस प्रॉफिट का नाम हमने रख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। क्योंकि यहां पे कौन सी फिक्स कॉस्ट लिखी है? कैश। इसका ना क्या चीज एक्सक्लूड है? एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है? तो डेप्रिसिएशन जनरली फिक्स होती है, हो सकती है जनरली का मतलब आमतौर पर, ठीक है जी। यदि डेप्रिसिएशन यूनिट्स प्रोड्यूस पे बेस्ड है तो वेरिएबल है, लेकिन यदि डेप्रिसिएशन ईयरली बेसिस पे निकालते हैं तो फिक्स्ड है। तो मैंने कहा आमतौर पे डेप्रिसिएशन हम किस पे निकालते हैं? ईयरली बेसिस पे। जैसा आपने देखा कॉस्ट माइनस क्रय वैल्यू डिवाइडेड बाई 5 साल 10 साल 15 साल, तो डेप्रिसिएशन कौन से बेसिस पे निकाला? ईयरली बेसिस पे। फिर आपने बीच में दखलंदाजी कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि क्रेडिट सेल का जब पॉइंट आएगा आपको बताएंगे। ऐसा जितना पढ़ गया उतना ही पढ़ूंगा आज, सिंपल सी बात है। ध्यान दो यार, सब चीजें धीरे धीरे आएगी। आपके पॉइंट में पहले ही पढ़ लेता हूँ, आप पहली बार पढ़ रहे हो, मेरी उम्र निकल चुकी पढ़ा पढ़ा के, ठीक है जी। तो मुझे पता क्या क्या पॉइंट बच्चे के माइंड में आने वाले। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या मान के चल रहे हैं, सारी सेल हमारी क्या कैश है। क्रेडिट सेल का जब पॉइंट आएगा तब आपको बताया जाएगा। उस समय आप बातें कर रहे थे, आपको पता ही नहीं चला मैंने क्या बोला, दिक्कत ये हुई आपके साथ, ठीक है ना। ध्यान से सुनो सारी चीजें। अब ये जो प्रॉफिट निकाला गया उसको मैंने क्या बोला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इसमें से क्या माइनस कर दीजिए? डेप्रिसिएशन। तो फिर बच्चे के मन में आ रहा होगा, सर जब माइनस ही करना था ऊपर क्यों नहीं किया, बताएंगे। देखिए मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको, यानी इंपॉर्टेंट रोल क्या डेप्रिसिएशन का, कि जैसे ही आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करेंगे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सरकार कहती है डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा है और साथ पे आपको इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। यदि हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के दो नाम है, कई लोग कहते हैं जी नॉन कैश एक्सपेंस है, मैं कहता हूं जी ये बिजनेस एक्सपेंस भी है। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है?
दो नाम क्यों दें, एक ही नाम बोल दें, नॉन कैश। ठीक है जी, ये वो खर्चा है जिसके पैसे मैंने किसी को नहीं देना, नो पेमेंट। लेकिन इसके पैसे मैं किससे लेता हूँ, कस्टमर से लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे टैक्स क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब ये खर्चा मैं प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, जब ये खर्चा मैं प्रॉफिट में से क्या कर दूंगा, माइनस, तो मेरे पास जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। मान लो ये प्रॉफिट मान लीजिए 10 लाख रुपये था और उसमें से 3 लाख रुपये मैंने डेप्रिसिएशन का माइनस कर दिया, तो आज मुझे सरकार को जो टैक्स देना है वो 10 लाख पे नहीं देना, 7 लाख पे देना। तो 3 लाख रुपए माइनस करने के बाद जब मैं 7 लाख पे टैक्स निकालूंगा तो मेरा टैक्स कम बनेगा ना। यदि टैक्स का रेट मान लीजिए 30% है तो मुझे 7 लाख का 30% देना है, ना कि 10 लाख का। तो टैक्स बेनिफिट मेरे को मिलता है किसकी वजह से, डेप्रिसिएशन माइनस करने की वजह से। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करना है, टैक्स। अब जो भी रेट क्वेश्चन में मेंशन होगा, 30%, 40%, 50%, 10%, 25%, जो भी, उतना अमाउंट आप क्या कर देंगे, माइनस। तो आपके पास अब जो प्रॉफिट बच जाएगा उस प्रॉफिट का नाम आप क्या रख देंगे, हाँ जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, इतना। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मैं इसमें वापस डेप्रिसिएशन क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो कैसा रहेगा, तो आपका पूरा पूरा दिमाग खराब हो चुका होगा। आप कहोगे सर पहले आपने माइनस किया फिर आपने प्लस किया, अपना समय जिसकी आपको कोई वैल्यू नहीं वो तो खराब किया ही किया आपने, हमारा भी खराब कर दिया। ठीक है जी, बताइए भाई आपको क्या लगता है, सही है ये, हाँ जी। पॉइंट है, डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया था टैक्स की कंप्यूटेशन करने से पहले, क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस था, बिजनेस था, और बिजनेस का खर्चा हमेशा टैक्स की कंप्यूटेशन करने से पहले क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। माइनस करने का फायदा क्या था, कि मुझे टैक्स 10 लाख की जगह जो मैंने वैल्यू लिखी थी किस पे देना पड़ा, 7 लाख पे। ध्यान से सुने, 10 लाख की जगह 7 लाख पे टैक्स देना पड़ा, तो मेरा ही फायदा है। यदि मैं 10 लाख का 30% निकालता तो 3 लाख टैक्स देता, और 7 लाख का 30% निकालूंगा तो 2,10,000 दूंगा, तो मुझे तो 90,000 का क्या हुआ, फायदा हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि सरकार डेप्रिसिएशन को कौन सा एक्सपेंस मानती है, बिजनेस का खर्चा। अब आगे फिर मैंने डेप्रिसिएशन ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे ऊपर हेडिंग में क्या लिखा हुआ दिखाई दिया, मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, इनफ्लो निकालना है ना। तो जो पैसा मैंने किसी को दिया नहीं है, जो पैसा मैंने किसी को दिया नहीं है, वो पैसा आज भी किसके पास होगा, मेरे पास है। अब मेरे पास है तो मैं उसे वापस क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि पहले मैं इसे क्या कर चुका, माइनस। मुझे ऐसा लगा कि डेप्रिसिएशन के पैसे किसी को देने पड़ते हैं, लेकिन मैंने किसी को दिया ही नहीं, तो वो पैसे वापस किसके पास है, मेरे पास ही तो है। तो जो चीज मेरे पास है उसे वापस क्या करो, ऐड करो। तो ऐड करने के बाद इसका नाम हो गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक नाम लिखवाया था, CFAD। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन के डबल फायदे हो गए, एक तो टैक्स कम देना पड़ा, दूसरा आपका इनफ्लो क्या हो गया, बढ़ गया। कुछ बच्चे मैथ्स के रूल अप्लाई कर रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन कैंसिल, टाइम पास हो गया हमारी लाइफ का। तो मैंने आपको आज पहले कहा था मैथ्स के बहुत सारे रूल यहां पे नहीं चलेंगे। फोन मारिए बात भैया। ठीक है जी, इतनी बात। अच्छा, इसमें अब आपको क्या करना है, ये जो आपने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला है जिसको आप कहते हैं CFAT, ये है क्या चीज, क्या चीज है ये। जो मशीन आपने खरीदी है, मान लो फिक्स्ड एसेट में क्या खरीदा है, मशीन। जो फिक्स्ड एसेट खरीदी है, सपोज करते हैं फिक्स्ड एसेट मशीन है, उस मशीन को फर्स्ट ईयर में यूज करने से
आपके पास कितना कैश जनरेट होगा एक साल के एंड में, मशीन के खरीदने से दूसरे साल में कितना कैश इनफ्लो जनरेट होगा, तीसरे साल में कितना इनफ्लो आएगा, चौथे साल में कितना आएगा, ये सारे के सारे इनफ्लो सिर्फ किसके हैं, मशीन के। आप देखो ना स्टार्टिंग किससे की है, सेल से। सेल कैसे निकाली, क्वांटिटी सोल्ड। क्वांटिटी कब भी की होगी, जब बनी होगी, बनी किससे होगी, मशीन से। इसका ना मशीन की वजह से पहले साल के एंड में कितना पैसा आएगा, मशीन की वजह से दूसरे साल में कितना आएगा, तीसरे साल में कितना आएगा और चौथे। अच्छा, जब मशीन चार साल आप यूज कर चुके होंगे, टर्मिनल ईयर आ जाएगा आखिरी साल, और वो मशीन हमारे लिए ऑब्सोलीट हो गई, बेकार हो गई, तो आप उसे क्या करोगे, बेचोगे। बेचने पे क्या होता है, पैसा आता है। पैसे को क्या कहते हैं, आने को इनफ्लो। तो यहाँ पे साइन कौन सा लग गया, हेड का। क्यों हेड लग गया, क्योंकि ये जो CFAT आपने निकाला ये क्या चीज है, कैश इनफ्लो। और जो सेल वैल्यू, यानी सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जो आपको मिलेगी, सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट जो आपको मिलेगी टर्मिनल ईयर में, कौन से ईयर में, वो भी तो आपके लिए क्या है। और मैंने कहा था ना कैश इनफ्लो में कैश इनफ्लो क्या करना है, ऐड करना है, सेम नेचर है। कितनी बार स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, तो एक ही बार आपको ऐड करनी है। अच्छा, एक पॉइंट आपको और लिखवाया था, वर्किंग कैपिटल रिलीफ। कौन से ईयर में मिलेगा आपको ये पैसा, क्या बन जाएगा आपके लिए, इनफ्लो। तो लास्ट ईयर में इसको भी क्या करना है, ऐड करना है। मतलब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि किसी चीज को प्लस करना है या माइनस। तो उस पॉइंट को समझने के लिए मैंने तरीका क्या बनाया कि जो CFAT है वो मेरे लिए इनफ्लो है। अब यदि इसके बाद आने वाली चीजें इनफ्लो है तो साइन होगा ऐड का, और यदि कोई चीज आउटफ्लो होगी तो क्या होगा, माइनस का। अब हनी क्या निकाल देंगे, अब आप कैश इनफ्लो कोई भी पॉइंट भी आपका रहेगा नहीं, आप टेंशन मत लो। मैंने आपको कहा ना 8-9 क्लास का चैप्टर है, हर क्लास में कुछ ना कुछ नए पॉइंट आएंगे, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। तो जिनको लाइफ में चेंजेस ज्यादा पसंद है उनके लिए चैप्टर बहुत बढ़िया है। एनुअल कैश इनफ्लो, तो ये फर्स्ट ईयर का इनफ्लो, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, और ये कौन से ईयर का, फोर्थ ईयर। अच्छा, ये एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड। खरीदने के बाद जैसा आप सोच रहे वैसा हो भी सकता है और वैसा नहीं भी हो सकता। तो इसलिए डाटा कलेक्ट करते टाइम ये ध्यान दीजिए कि वो डाटा काफी हद तक क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन को पहले हमने माइनस किया, बाद में हमने प्लस किया, उसका फायदा क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। यहां तक नोट कर लिया सबने, देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास सेल वैल्यू है 10 लाख रुपए। सेल वैल्यू कितनी है, 10 लाख। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस की 6 लाख रुपए। कैश फिक्स कॉस्ट का ना इसमें क्या शामिल नहीं है, डेप्रिसिएशन नहीं है। तो आपके पास में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 3 लाख आ गया। इसमें से मान लीजिए मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया 2 लाख रुपए, तो फिर मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपए। सपोज करते हैं हमें क्वेश्चन में टैक्स का रेट दे रखा है 40%, कितना दे रखा है 40%, तो 1 लाख का 40%, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना देगा। लेकिन मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, CFAT चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब कैश इनफ्लो चाहिए। कैश इनफ्लो का मतलब बिजनेस करने की वजह से मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में कितना पैसा वापस मिलेगा। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन तो 2 लाख रुपए मैंने माइनस किया था, मुझे लगा इससे मेरा कैश कम हो गया, बट पता लगा सिर्फ प्रॉफिट कम हुआ, कैश कम नहीं हुआ। तो अब जो मेरा प्रॉफिट 60,000 रुपए दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है 2 लाख रुपए क्या हो चुके हैं, माइनस। तो मैंने वापस 2 लाख रुपए क्या कर दिए, तो इसका ना मेरे पास ईयर एंड में कैश होगा तो कितना होगा, 2,60,000। दूसरा ऑप्शन, यहां पे मैंने डेप्रिसिएशन क्या किया, कंसीडर किया। जो बच्चे कहते हैं सर टाइम पास हुआ,
मतलब इग्नोर कर देते हैं उनके लिए। वो कहते हैं सर मैथ्स के हिसाब से माइनस और प्लस तो क्या होता है, कैंसिल होता है। वो बचपन के जो नियम है ना, निकल नहीं पा रहे उसके दिमाग से बच्चे के। अब उसको समझाना है, यदि मैं डेप्रिशिएशन को माइनस और प्लस ना करूं, जैसे वो परेशान हो रहा है कि माइनस प्लस तो क्या होता है, कैंसिल। तो मैंने कहा चलो आपकी मन की बात की मतलब बात रख लेते हैं, इग्नोर करते हैं, ना माइनस करेंगे ना प्लस करेंगे। तो अब मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, जब मैंने माइनस नहीं किया तो ऐड भी नहीं किया, ठीक है। इसका ना आपके पास जो टैक्स आपका 40,000 रुपए जाना था, वो सरकार के पास कितना चला गया, सरकार ने बहुत समझाया था डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, उसने कहा जी फायदा कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है, इधर माइनस इधर प्लस वो तो कैंसिल हो जाता है। तो सरकार ने फिर समझाया एक बार सोच के देख लो, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बीच में कौन आ रहा है, टैक्स आ रहा है ना, और टैक्स आपको 2,00,000 रुपए पे बेनिफिट दे रहा है ना, क्योंकि जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन 2,00,000 रुपए माइनस किया, आपका प्रॉफिट जिस पे टैक्स लगना है 3,00,000 की जगह कितना हो गया, 1,00,000, और 1,00,000 का 40% कितना हुआ, 40,000। और यदि आप डेप्रिसिएशन पहले माइनस नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 1,00,000 हो सकता था वो कितना रह जाएगा, 3,00,000। और आपको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा फिर, 3,00,000 पे, 3,00,000 का 40%, 1,20,000 कितना बड़ा, तो 80,000 रुपए का जो नुकसान हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि आपने 2,00,000 रुपए जिस पे टैक्स बचा सकते थे उस पे भी टैक्स दे दिया। तो 2,00,000 का 40% कितना होता है, 80,000। यदि 2,00,000 रुपए माइनस करोगे तभी तो 80,000 रुपए का फायदा होगा, और 2,00,000 रुपए नहीं माइनस करोगे तो 80 का आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो 80 का ही तो आ रहा है, तो 80,000 रुपए आपका CFAT जिसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो बढ़ा सकते हो, यदि आप किसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, टैक्स सेविंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं, किस पे, डेप्रिसिएशन। तो जो लोग टैक्स सेविंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं डेप्रिसिएशन पर, उनका तरीका क्या है, पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो ताकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो सके, कम, और आपको उस पर टैक्स क्या लगेगा, कम, वापस डेप्रिसिएशन क्या कर दो, ऐड कर दो। और जो लोग कहते हैं हम तो नहीं करना चाहते, नुकसान किसका है, उसी का। और ये 1 साल नहीं, कितने साल तक, 4 साल लाइफ है, तो 4 साल हनी, कोई दिक्कत है इसमें। तो जिसको जो तरीका पसंद है वो करे, बट एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो ये वाला तरीका। हनी कोई दिक्कत है इसमें किसी को, ठीक है। जब बेनिफिट मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए ना, जैसे किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, आपने लिफाफा दिया, 4-5 दोस्त गए तो गेट पे आपको रोक लिया जाता है, उसमें आपको रिटर्न में कोई एक मिठाई का डब्बा देते हैं, ठीक है जी। शुगर के मरीज भी आपके घर में, आप भी, फिर भी वो डब्बा छोड़ते नहीं हो, पता खा के दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी फिर भी छोड़ना नहीं, फ्री में क्यों सामान छोड़े भैया किसी को, ठीक है ना। तो जब कोई बेनिफिट मिल रहा है क्यों छोड़े भाई, फायदा ही अपना 80,000 रुपये का। गेट पे खड़े रहते हो जब तक कि आपको डब्बा वापस ना मिल जाए। देखिए एग्जांपल में आपके सामने है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट 10,00,000 रुपए, यानी लाइफ आपके पास है 4 साल, स्क्रैप वैल्यू 2,00,000 रुपए, पहला पॉइंट। हनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, मान लीजिए आपके पास में है 1,50,000 रुपए। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर, पहले मैंने लिखे ईयर 1, 2, 3, 4, हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 3,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए, 4,00,000 रुपए। टैक्स रेट भी आपको दे रखा है। अच्छा यदि किसी क्वेश्चन में टैक्स रेट ना दे रखा हो तो क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि उससे टैक्स सेविंग होती है,
ठीक है ना भैया। यदि कंट्री में टैक्स चलता है तो टैक्स को कंसीडर करना चाहिए। तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन मतलब जो टैक्स रेट है आपको ना दे रखो तो मैक्सिमम कितना है 30% कितना लेके चलते हैं 30%। तो आने वाली कुछ क्लासेस में आपको बताया जाएगा कब टैक्स रेट को 30% मान के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कब कंसीडर नहीं करना चाहिए, मतलब इग्नोर करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ बताया जाएगा। अभी इस एग्जांपल में आपके सामने क्या कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट है 10 लाख, लाइफ कितनी है 4 साल, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है 1.5 लाख। अच्छा रिक्वायरमेंट तो बता दी, ये तो बताया नहीं कि रिलीज कितना अमाउंट होगा। तो मान के चलेंगे जितना लगाया उतना ही वापस। अच्छा कभी कभी रिलीज का अमाउंट मान लो लिखा होगा 1:20 क्वेश्चन में, फिर क्या करोगे? तो रिक्वायर्ड में 1.5 लाख लोगे और रिलीज में वो अमाउंट लिखोगे जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और नहीं दे रखा तो सेम मान के चलेंगे जितना लगाया उतना वापस मिल गया। हाँ जी क्वेश्चन में आपको निकालना क्या, कैलकुलेट एनुअल कैश इनफ्लो, आपको एनुअल कैश इनफ्लो निकालना है। बताइए भाई डेप्रिसिएशन को कंसीडर करने में फायदा है या ना कंसीडर करने में फायदा है? कंसीडर करने में फायदा है, क्योंकि उससे टैक्स क्या होता है सेव होता है। आपकी सोच बिल्कुल सही है कि माइनस और प्लस यदि एक ही इक्वेशन में कर रहे हैं तो उसका नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, बट उस नेट इफेक्ट से पहले बीच में क्या आ गया, टैक्स आ गया। और टैक्स का बेनिफिट आपको कब मिल पाया, जब आपने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया। ठीक है, इतना धीरे धीरे सबको समझ में आने लगेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। आप सोचो आज इतना पढ़ा है, अगली क्लास में सारे नए पॉइंट्स हो जाएंगे। नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे अभी, अभी तो हमें जब इनफ्लो निकालेंगे तब लिखेंगे टर्मिनल ईयर में। हाँ जी क्वेश्चन नोट कर लिया। अच्छा कई बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, वो कहते हैं सर आपने तो सबसे पहले क्या लिखा था सेल, बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब आपको अब अपनी स्टार्टिंग सेल से नहीं करनी, किससे करनी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो आज की क्लास में बस आपको ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है वहां से आपको स्टार्टिंग करनी है। यदि सेल से दे रखी है तो ऊपर से स्टार्टिंग कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन से स्टार्टिंग करेंगे। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्टिंग करेंगे। तो जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा होगा वहां से आपको क्या करनी है, स्टार्टिंग करनी है। तो इस समय क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दे रखा है 4 साल का। करें शुरू, सबसे पहले आप ये बताइए डेप्रिसिएशन कितना आएगा वर्किंग नोट में। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, मतलब 8 लाख को 4 से डिवाइड कर दिया तो आपका डेप्रिसिएशन कितना देगा 2 लाख रुपए। बोले भाई कोई दिक्कत यहां तक? तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ, ये आपका फॉर्मूला है, 2 लाख ही तो लिखा है। ठीक है जी, तो देखिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और कौन सा ईयर है, टर्मिनल ईयर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है, यानी क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना 3 लाख, पांच लाख और 4 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। जो फायदा मिल रहा है फ्री में लो ना। तो डेप्रिसिएशन कितना है
2 लाख रुपए। बोलो भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 1 लाख। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करना है? कितने परसेंट? 30%। कितना लिखें भाई? हाँ जी, क्वेश्चन में 30,000 आ गया, 0 लिख दो या नील 90 60,000। तो बताइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 70 नील 210 और 1,40,000। ठीक है जी, इतना। फिर इसमें से माइनस तो कुछ करना ही नहीं, अब प्लस करना है डेप्रिसिएशन कितना? 380 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें हैं, फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीज आती हैं, ये सब चीजें आपको डिटेल में बता देंगे। हाँ जी, 270 2 लाख 410 और 3,40,000। अच्छा, इसमें अब आपको ये देखना है कि टर्मिनल ईयर में आपको और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो आपको एक तो सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट चाहिए टर्मिनल ईयर में। तो यदि आपको सेल वैल्यू नहीं दे रखी, तो स्क्रैप वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है आपको 2 लाख रुपए, मान के चलेंगे उतने ही पैसे आपको टर्मिनल ईयर में मिल गए। ठीक है जी, इतना। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रिलीज 1,50,000। तो 270 410 6,90,000। तो आपके पास आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन माइनस करने में आपको फायदा ही है, क्योंकि उससे आपको टैक्स का देना पड़ता है कम, और जिस चीज से हमें फायदा मिल रहा है उसे क्यों इग्नोर करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।